गुड इवनिंग गाइस। सो फाइनली वी आर अगेन बैक विद वन ऑप्शन बायर पॉडकास्ट। सो आज के हमारे जो गेस्ट है इज मनप्रीत फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड ही हैज बीन ट्रेडिंग सिंस लास्ट 5 इयर्स। सो लास्ट 5 इयर्स के लॉसेस के बाद फाइनली ही वाज एबल टू अचीव हिज एग्जैक्ट रिकवरी एंड प्रॉफिट्स। एंड कैसे क्या हुआ है पूरा जर्नी अपन ये वाले पॉडकास्ट में बात करेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड इफ यू आर समवन हु कैन एक्चुअली इंस्पायर द ऑडियंस एंड यू हैव गॉट सम सिमिलर स्टोरीज टू शेयर विद द ऑडियंस, लेट मी नो। आवर पॉडकास्ट इज कंप्लीटली फ्री। सो नीचे मैंने फॉर्म का लिंक दे दिया, इफ यू रियली वांट टू बी अ गेस्ट इन आवर पॉडकास्ट सीरीज वहां पे जाके फॉर्म फिल अप कर दो। आई विल गेट इन टच एंड वी कैन सेट अप अ डेट एंड वी कैन डू द पॉडकास्ट समडे। ऑलराइट, ओके, ठीक है। सो ऑप्शन बायर्स के ही पॉडकास्ट लोगों को ज्यादा पसंद है, ऑप्शन सेलर्स के पॉडकास्ट लोगों को इतना समझ में नहीं आते क्योंकि उनको ऑप्शन सेलिंग करना, उनको ऑप्शन बाइंग करना है। सो दे वॉन्ट टू कीप ऑन हियरिंग लॉट अबाउट ऑप्शन बायर 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 के हमें दे दो। एंड अगेन लेट मी टेल यू, आई डोंट केयर हु इज प्रॉफिटेबल, हु इज नॉट प्रॉफिटेबल, हु हैज मेगा लॉसेस, हु हैज मेगा प्रॉफिट्स, आई डोंट केयर। क्योंकि किसका बहुत प्रॉफिट होने से ना मेरे पॉकेट में पैसा आने वाला है, किसका लॉस होने से क्या मेरे पॉकेट से पॉकेट में मतलब जा रहा है। तो वेरीफाइड पीएनएल ये वो ये सब मैं कोई वेरीफाई करने वाला नहीं हूं कि आप कितने सालों से दिखाओ ये करो वो करो। सो लाइक इन फ्यू ऑफ द लास्ट वीडियोस लोग बोल रहे थे कि हमें 2-3 साल का, तो भाई आप कौन हो, आपको कौन क्यों वैलिडेट करे। सो बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट एंजॉय द वीडियोस, गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द स्टोरीज विदाउट इवन ट्राइंग टू वैलिडेट समवन। जो पैसा कमा रहे वो पैसा कमाएगा, आप हेट करते रह जाओगे। सो डोंट ट्राई टू हेट पीपल, जस्ट मे बी try to get inspired. All right. Anyways, let's go ahead and watch this video. Starting से end तक ना बहुत सारा चीज़ आपको सीखने मिल जाएगा. And video को दोस्तों के साथ share भी कर देना. Just in case if you are new to the channel, make sure to subscribe to the channel. नीचे वो free वाला button है. Go ahead subscribe so at least you can get the notification for the future videos. Anyways, let's go ahead and start the video. Hello guys. So we have Manpreet भाई from Jammu and Kashmir with us. तो Manpreet भाई, नमस्ते. बताओ आपके बारे में थोड़ा, बताओ कुछ introduction दो audience को हमारे. Hi. सबसे पहले तो good afternoon to everyone. My name is Manpreet Singh and option buying करता हूँ from the past 5 years, 5 साल से. 5 साल से करते हो? 5 साल से कर रहा हूँ. Okay. Basically 2019 pass out हूँ मैं. कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? B-tech. मैं जम्मू एंड कश्मीर from basically जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर से हूँ. ओ श्रीनगर, मैंने कभी श्रीनगर गया नहीं, कभी जाना पड़ेगा. तो आ जाओ. हम लोग, मैं तापस सबको ही हम लोग सोच रहे थे पूरा फैमिली जाएंगे श्रीनगर, पर कौन सा सीजन में जाए वही डिसाइड कर नहीं पा रहे. तापस भाई को अब स्नोफॉल में अगर आपको आना रहेगा, उसको स्नोफॉल ही देखना है, स्नोफॉल देखना है, तो आप दिसंबर में आ जाओ. ये दिसंबर ना? ये दिसंबर आ जाओ. ओके, तो दिसंबर स्टार्टिंग में या एंड की तरफ? नहीं नहीं, अगर आपको न्यू ईयर मनाना है न्यू ईयर, तो फिर आप एंड पे आ जाओ. दिसंबर स्टार्टिंग में भी स्नो दिखेगा ना? हाँ. ओके, तो हम लोग चलो आते हैं तो टेलीग्राम पे मालूम पड़ेगा आपको. चलो आप बताओ अपने बारे में बताओ. तो जम्मू कश्मीर से हूँ, श्रीनगर से. आपको बताया बीटेक किया हुआ है मैंने इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. ओके. 2019 पास आउट हूँ बीटेक. ओके. और 3 साल मैंने एमएनसी में भी जॉब की. ओके. हाँ जी, बट साथ साथ में मैं ट्रेडिंग को भी टाइम दे रहा था. जितनी भी सैलरी जॉब करते थे ट्रेड भी करते थे. हाँ, पहले 2019 पास आउट था, 20 में मेरी जॉब लगी थी, 2021 में मैं जॉब भी करता था साथ साथ में. ओके. और स्पेयर शाम को आता था, बट मेरे को जब पहले दिन जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी पहले दिन, उसी दिन मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को ये जॉब नहीं करनी है, कैसी भी कुछ भी करना है. तो मत पहले दिन क्योंकि जब सुबह उठा, हाँ जब मैं सुबह उठा, मेरी शिफ्ट थी मॉर्निंग में 7 बजे. ओके. की शिफ्ट थी, तो मैं अपने आप को मैं रेडी हो रहा था. क्या कर रहा हूँ यार, सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ. तब मेरी सैलरी थी 17,650 रुपीज. ओके. और उसमें फिर रेंट वगैरह देना था, ठीक है, घर वो अपना पीजी वगैरह, खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन. तो मेरी सिर्फ जेब में बच रहा था 3-4 हजार. और तब मेरे को एक शूज पसंद आ गया था खुद के लिए 8 हजार. ज्यादा हो गया. पर मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, और कोरोना का टाइम था, 2020 की बात है. हाँ, कोविड का टाइम. कुछ ना कुछ तो करना है. फिर मैं धीरे धीरे करके आपको ट्रस्ट नहीं होगा, मैंने पहला जब डिपॉजिट किया हुआ था. हाँ. मैंने पूरे में लगभग हफ्ता 10 दिन लगा दिए मैंने सिर्फ पैसा डिपॉजिट करने में. क्यों? मेरे को लग रहा था शायद स्कैम हो जाएगा कुछ, स्कैम हो जाएगा, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेरे पैसे कुछ ना हो जाएगा. और मेरे को पता भी नहीं था जीरो का क्या होता है, कैसे क्या होता है. मेरा पहला जो मैंने इन्वेस्ट कुछ भी नहीं किया था, जो मेरा पहला ब्रोकर था वो था 5 पैसा, पता नहीं आपको. 5 पैसा? हाँ, 5 पैसा मालूम है. कुछ भी नहीं किया था 5 पैसा में, मैंने खाली डाउनलोड किया था वो,
और उसी के मेरे को दूसरे दिन ना वो कॉल्स आने लगी थी, तो मेरे को लगा यार ओके अकाउंट में पड़े हुए हैं पैसे 20-1 हज़ार है, ये भी खाली हो जाएगा, क्या करूंगा मैं, ऐप ही ऐप को ही कर दिया अनइंस्टॉल। तो ऐसी जर्नी है, धीरे धीरे करके बंदा फिर, बट मैं सीखता रहा, शाम को ओके डेली ओके शिफ्ट के बाद मैं डेली सीखता रहा, थोड़ा 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 करके, फिर उसके बाद बस ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई। बट ये था कि मेरे को बस जॉब को जॉब नहीं छोड़ना करना है, है। जॉब नहीं करना है, क्योंकि वो पैसा एक अलग चीज है, हाँ बट आपको एक फ्रीडम चाहिए लाइफ में। हाँ तो फ्रीडम चली गई उसमें, तो जॉब आपने कब हाँ छोड़ा? मैंने जॉब छोड़ा था 2021 22 22, 2 साल जॉब किया हुआ है तब, 2 साल मैंने जॉब दो किया, साल दो में ढाई साल जॉब। जॉब किया, कोविड तो कोविड के टाइम भी आप ट्रेड करते थे? के टाइम से ही मैंने स्टार्ट किया था, तो कोविड के टाइम कोविड के टाइम से ही मैंने मतलब सीखना शुरू किया। ओके वहां पे सारे लोग सारे तो ये टेंशन में थे, और मैं घर से बाहर था तब, ओके तो मैं कोविड में तब आपने कुछ पैसा कमाया नहीं कमाया? कोविड में, मैं उसके बाद आया जब वो उसके क्रैश बाद आया आया। ना, क्रैश के बाद आया, ओके ओके अब ओके मेरे को नहीं उसके पता था इतना कुछ क्या होता है क्या नहीं होता है, बाद। बट ओके ओके उसके सीख रहा था ट्रेड ओके कैसे लेते हैं कैसे क्या होता है। फिर तब लेकिन क्रिप्टो बैन नहीं था इंडिया में, तो मैं हाँ बाइनेंस में ट्रेड करता था, और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने पहला इस पे जब मैंने ट्रेड लिया था, बाइनेंस की बात कर रहा हूँ, हाँ मैंने ट्रेड लिया था 142 डॉलर समथिंग का कुछ ऐसा ट्रेड, हाँ ठीक है। तो बट क्या हुआ, जब मैंने वो ट्रेड लिया मैंने लेवरेज ले ली थी शायद 50x कुछ ऐसा था, पूरा लंबा वाला लेवरेज। हाँ पूरा लेवरेज ले लिया था। सो भाई यू डोंट ट्रस्ट, मेरा वो जीरो हो गया सिर्फ 5 मिनट में। हाँ वो पूरा अकाउंट खाली खींच लिया होगा अब पूरा। मेरे को क्या लगा, मेरे को लगा शायद कोई ग्लिच है, तो मैंने क्या किया उसको अनइंस्टॉल किया, वापस से किया, मैंने कहा पैसा कहाँ चला गया। फिर मेरे को उसके बाद पता चला कि कैसे क्या होता है, मतलब बस यही है, थोड़ा थोड़ा धीरे सारे धीरे वही करते हैं, वो थोड़े लॉसेस ही सिखा देती है मार्केट में, लॉसेस ही सिखा लॉसेस देती लॉसेस लॉसेस तो हुए हैं, है। बट मेन चीज क्या रहती है, मैंने जो अपना पर्सनल देखा है ना, स्ट्रेटजी सब कुछ ओके है, बट जब हाँ तक आपका माइंडसेट नहीं होगा ना, तब तक आप, कोई दिक्कत नहीं था। मैं कह रहा हूँ अगर तपस भाई भी साथ आके बैठ जाए ना उस बंदे के साथ में, जो हाँ वो लेंगे वो लेगा ना, फिर भी वो प्रॉफिट नहीं करेगा, मैं लिख के ले लूँ मेरे साथ, हाँ फिर भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब तक उसका मान के चलो, मेरे को पता है तपस भाई ट्रेड करते हैं हाँ 1 लाख क्वांटिटी से, हाँ ठीक है, उनका वैसा माइंडसेट है, वो 1 रुपए भी 1 लाख का नुकसान देखेंगे, हाँ ये सारे चीज माइंडसेट का है। हाँ अगर मैं सारे कह, माइंडसेट का है। सब माइंडसेट की, और सबसे बड़ी बात है रिस्क मैनेजमेंट की, हाँ मान के चलो जैसे मैं काम करता हूँ, ओनली एंड ओनली आई डू ट्रेडिंग इन निफ्टी, ओनली ओ निफ्टी, ओनली निफ्टी करते हो? ओनली निफ्टी, नो आप, ओके आपको मैंने जो शेयर किया आप देखना उसमें एक भी आपको ट्रेड निफ्टी के बिना नहीं दिखी, ओ कुछ भी नहीं एक दिखा, रुको एक नहीं खोलते आपने, हैं। चलो अभी अपन स्क्रीन शेयर करते हैं। तो मनप्रीत भाई ने मेरे को ऑलरेडी उनका 3 अकाउंट्स का मेरे को भेजा हुआ है, एक अकाउंट तो मेरा ओके दो मेरे फ्रेंड्स का, चलो स्क्रीन। जो आपको अपने ये क्या कहते हैं इसको, जो ट्रेडिंग कैपिटल था मेरा, हाँ। तो फ्रेंड का क्यों है इसका भी एक रीजन है, इसका भी एक ओके रीजन कि फ्रेंड का अकाउंट क्यों है। जब मैं ओके ट्रेड करने आया था सबसे पहले मैं जॉब करता था, मेरा फ्रेंड है गुरदीप, ओके बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा बचपन का, तो उन्होंने ओके मेरे को कहा था आप ट्रस्ट नहीं करोगे, इनकी यही सेम वर्डिंग थी, इन्होंने मेरे को कहा था क्या करते हैं आजकल, मैंने कहा कुछ नहीं भाई ऐसे ही थोड़ा बहुत देखता हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ। तो इन्होंने तब उस टाइम पे इन्होंने कोई टाटा मोटर्स के कुछ शेयर लिए थे 20,000, ठीक है, और ये बात है 2021 की, ठीक है, तब ओके इन्होंने मेरे को बोला कि मैंने ये कुछ शेयर लिए, मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है भाई, कह रहा है मेरे पास और भी पैसे पड़े हैं 2-2.5 लाख, 2-2.5 लाख पड़े, ओके तो क्या करूं। मैंने कहा गुरी जैसे तेरे को ठीक लगेगा, बोलता है यार एक काम कर तू मेरे को शाम को मिलना, हाँ ठीक है, तो ये मेरे को शाम को मिले, इसने मेरे को 2-2.5 लाख दिया, कहा मेरे को इसमें से जितना तेरे को बचेगा दे देना, मेरे को कहा तू टेंशन मत लेना, सेम वर्डिंग थी इसकी, टेंशन मत हाँ लेना, अगर ये 2-2.5 लाख जीरो भी हो गए तो मुझे कोई आके सिर्फ टेंशन बोल देना कि भाई जीरो हो गए, पर तू नहीं। टेंशन मत ले, तू चिल हो के काम कर। फिर जब मेरा धीरे धीरे करके मैं ग्रो किया ग्रो किया ग्रो किया, फिर इसको मैंने, ये तो मेरे साथ ही रहता है, हम इकट्ठे उठना बैठना, तब मैंने फिर इसका अकाउंट बोला, मैंने कहा गुरी तू अपना अकाउंट, मैं तेरा अकाउंट खुद मैनेज करूंगा, खुद फंड्स जो भी है, तो बस तूने तब ट्रस्ट किया था जब मतलब कुछ भी नहीं था, मतलब मैं कुछ सीख भी रहा नहीं था, था जब। तब इसने हाँ उठा के अपने डायलॉग, और साथ में ये भी बोला अगर ये जीरो भी हो गए मिटिगेट सब कुछ हो गया तो मुझे सिर्फ आके हाँ बोल देना कि गुरी पैसे जीरो हो गया, बस बस बोल देना मेरे, इतना इसने मेरे को बोला, तो वही 2.5 लाख वाला अकाउंट आज 50 लाख हो गया।
वो 2.5 लाख वाला अकाउंट नहीं, फिर उसके बाद ना धीरे धीरे करके फिर फंड्स ऐड भी किए, ओके फिर बीच में कभी पैसे जरूरत नहीं पड़ते निकालने के, तो इसी को वापस से वो ओके ओके चलो ठीक है, स्क्रीन शेयर कंपाउंड। मारते हैं। हाँ आप स्क्रीन शेयर कहाँ कर। गया स्क्रीन शेयर, एंटायर स्क्रीन। हाँ तो हमारे पास सबसे पहला तो गुरदीप भाई का ही अकाउंट है। सो तो इसमें मतलब ये तो कितने 1 साल का ही है पूरा, शायद हाँ सितंबर से लेके एक सितंबर। तो अगले आगे पूरे पहले सारे महीने में ज्यादा कुछ ट्रेड हुए ही नहीं, कुछ भी ट्रेड नहीं हुए। नहीं, मैंने ट्रेड नहीं ली थी ना ओके तो ये इसकी, वही जुलाई मैंने एंड खुद अगस्त का ही है। तो जुलाई हाँ अगस्त का हुआ 50, फिफ्टी लैक ये का आपका अकाउंट है। ये ये मेरे इसमें का। हाँ तो 1 साल में भी ज्यादा कुछ ट्रेड हुआ ही नहीं, मई में ही ट्रेड नहीं, हुआ। मैं बिल्कुल मतलब मैं डेली ट्रेड करता ही नहीं हूँ, मेरे को अपने ओके सेटअप पे ट्रेड मिलेगा तो मैं करूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा तो सेटअप। ये लास्ट जो महीना जो सब ब्लैंक दिख रहा है, आप क्या और कोई ब्रोकर में ट्रेड करते थे? ओके नहीं, मेरा कोई नहीं है, सिर्फ यही है, खाली मेरा ही है, जीरो था, इतना ही अकाउंट है। कोई ओके ओके ब्रोकर है ही नहीं। हाँ मतलब अभी 3-4 महीना हुआ ही स्टार्ट हुआ है, पकड़ो तीनों अकाउंट में। तीन चार महीना है पकड़ के चल रहा हूँ तो मोटा ये भी मोटा। हो गया 30, ये भी हो गया 33, ये भी हो गया 50। ये सबसे अच्छा तो ये वाला अकाउंट का था अपना, लोगों को थोड़ा हाँ रिफ्रेश कर देते, नहीं तो लोगों को बोले कि किसने कुछ एडिट लोगों को वेडिट लगेगा, ये लोगों को तो यही झूठ लगता है ना, अगर आप ये चीज है। में बताऊंगा ना 50 लाख की जगह 50 हजार तो मान जाएंगे, क्योंकि मनी हाँ साइड ऐसा है, जब देखो 50 लाख दिखेगा ना तो बोलेंगे यार नहीं पता नहीं फेक होगा, क्योंकि उसीलिए मैं रिफ्रेश कर दिया। हाँ मैं कितनी बार तपस भाई का वो देखते हैं ना, वो जो वीडियो बनाते हैं वो एक्स नेक्स वाला, तो हाँ तब बहुत सभी लोगों का ये, वो ये नहीं पूछेंगे कि ये बंदे का कैसा माइंड सेट है, हाँ ये कैसा ऐसे ट्रेड, वो उल्टा बोलेंगे यार ये तो फेक है, मेरे को एक चीज बताओ, पैसा उनका, समझना हाँ मेरी बात, पैसा उनका है, वो उनको फेक दिखा के क्या मिले। क्या मिलेगा। हम लोग भी वही बात करते हैं कि हम लोग हंसते हैं, हम लोग जब भी बात करते हैं हम हंसते हैं कि लोग जब बोलते हैं कि फेक है झूठ है, तो हम लोग ऐसे ही बैठ बैठ के हंसते रहते हैं कि लोगों को क्या लगता है हमारे पास उतना टाइम है कि हम बैठ के एडिट करेंगे, फोटोशॉप उससे करेंगे, इन द वीडियो एंड क्या मिलेगा, उस चीज से क्या मिलेगा, क्या कुछ मिलेगा। मिलेगा, वो तो लाइफस्टाइल से ही पता चल जाता है बंदे के पास पैसा है, वो तो पता ही चल जाता है इतना का। फिर भी तपस भाई मेरे को इतना भी पता है, आई एम श्योर श्योर वो अभी आधे ही वीडियोस डालते होंगे, वो वो तो आधे तो डालते, डालते नहीं वो होंगे, वो डालता ही नहीं है, वो बहुत सारा डालता नहीं है, वो तो बहुत कम ही डालता रहता है। मैं हम लोग तो बात करने मत डालो। इंडियन को उन्होंने बंद ही कर दिया डालना, हाँ ऐसा तो है नहीं वो ट्रेड नहीं लेते होंगे, ऑब्वियसली बात है। हाँ हाँ लेता है, बस वो इतना क्वांटिटी में आजकल ट्रेड नहीं करता इंडियन मार्केट में, वो कम क्वांटिटी में करता है। बट ज्यादा टाइम तो हमारा वही फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में ज्यादा टाइम जा रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट में अच्छा लग, मेरे को बैंक निफ्टी बहुत अच्छा लगता है, बट तापस को क्रिप्टो ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो कॉन्स्टेंटली क्रिप्टोज, क्योंकि उसको मोमेंटम चाहिए, वो छोटा मोटा मोमेंटम उसको अच्छा नहीं लगता, उनकी उसको लेवरेज थोड़ा भी अच्छी मोमेंटम होती बड़ा है, चाहिए, मोमेंटम उनकी बड़ा होना लेवरेज चाहिए। बिल्कुल, उनकी लेवरेज भी अच्छी होती है, मैं देखता हूँ। अब मान के चलो वो ले रहे हैं 100x लेवरेज, हाँ उनको पता होगा ना वो 100x क्यों ले रहे हैं और उनका SL कितना। अब मैं थोड़ा ना कितना कॉपी करूंगा उनको अंधों की तरह, ऑब्वियसली बात है ना, नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। अगर उनका SL 0.10% का है तो हाँ उन्होंने उस हिसाब से देखा कि ओवरऑल कितना होगा मेरा, दस हाँ दस परसेंट होगा कितना होगा। ऐसे मैं भी करता हूँ क्रिप्टो में ट्रेड, हाँ आई डू ट्रेडिंग, मैंने आपको वो अकाउंट नहीं भेजा बाइनेंस हाँ वाला, उसमें भी अराउंड अराउंड 40,000 डॉलर का प्रॉफिट ही है, बट ओके आई ओके डू ट्रेड, मेरे सिर्फ दो चार पेयर्स हैं उसमें, बट मैं BTC में नहीं करता हूँ, ओ बीटीसी में नहीं आई करते हैं। डू ओके ओके BTC में नहीं करता हूँ, आई डू ट्रेड इन एटम, यूनी, तो मैटिक, ऐसे चार पांच कॉइन, RLC, ऐसे उसमें पांच छह लिक्विडिटी कॉइन है। रहता है, लिक्विडिटी हाँ रहता है एटम में उसमें। रहता है लिक्विडिटी, एटम में रहता है लिक्विडिटी, अच्छा खासा लिक्विडिटी ओके रहता है एटम में। मैं ओके आपको, ओके मैं अपनी ट्रेडिंग वॉच रेशियो है मेरी, आवे एटम यूनी डॉट ETC, बस ईटीसी इतना मैं ट्रेड करता हूँ। हाँ इतना है। ETC, ओके इथीरियम क्लासिक। अब इथीरियम वाला BTC ओके में क्यों नहीं ट्रेड लेता हूँ, रीजन क्या है, ये हमेशा आपने देखा होगा कभी भी ये पंप रेयरली देता है, 7-8% का, हाँ हाँ वो एक तो कभी परसेंट कभी का होता देता है। है हाँ वो 1 वीक में कोई एक बार हो गया, फिर 2 वीक में एक बार हो गया। बस। अब ये चीजें है ना, ठीक है, अपना मेंटर है हमारा, मैं कहता हूँ ठीक है ओके, आप देखते हो उस बंदे को ठीक है, अगर मान के चलो कभी तपस भाई लॉन्ग है BTC में, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी लॉन्ग रहूंगा BTC हाँ में, क्योंकि मैं सबका किसी और तो को, मतलब सबका स्ट्रेटेजी अलग है, कि सबका क्या ये अलग है कि हमें कहाँ पे एंट्री कैसे लेना है। सब तो सेम नहीं है ना, सेम तो नहीं समझता। वो ऑब्वियसली लॉन्ग है तो हम भी लॉन्ग चले जाए, वो हाँ शॉर्ट है तो हम भी ऑब्वियसली शॉर्ट चले जाए। वो ही चीज है, बाकी बाकी ये वाला और तो, ये वाला बाकी अच्छा था आपका, ये जो गुरदीप वाला अकाउंट में जिसमें 50 लाख का दिखा रहा है हाँ 2 महीने में जुलाई एंड अगस्त में, उसमें चार्जेस ओनली 1 लाख का है। उसका लोगों ने बोला कि ऐसे कैसे चार्जेस इतना कम कैसे मैं आया। आप मैं ट्रेड ही ओवर ट्रेड नहीं लेता हूँ, कभी भी मैं ओवर ट्रेड नहीं लेता हूँ, आई डू ओके ट्रेड, लेट सपोज मेरे को सेटअप दिख रहा है ओके ठीक है, मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 रुपए का निफ्टी में,
अब बैंक निफ्टी में मैं क्यों नहीं लेता हूँ, इसका भी रीजन है, क्योंकि वो 40-50 रुपया तो ऐसे ही आपने देना, 40-50 तो ऐसे ही जाएगा, वो ऐसे ही जाएगा, उसमें मेरे को ना वो क्वांटिटी सी वो मैनेज नहीं होती। ओके पर्सनली जिसका जैसा है, जैसे मेरे को निफ्टी में मजा नहीं आता है क्योंकि निफ्टी में वो जो कम मोमेंटम है, तो बैंक निफ्टी मेरे को वो 50 और 100 रुपीज के कैलकुलेट मेरे को समझ में आता है, तो सबका अलग अलग है। जैसे तापस को ये अच्छा नहीं लगता, तापस को फिन निफ्टी अच्छा लगता है, सेंसेक्स अच्छा लगता है। आप देखो, आप देखते होंगे कितने शॉर्ट्स वगैरह चलते हैं इंस्टा पे या उस पे चलते, देखा होगा आपने, उसपे देखते हैं 1 रुपए का 100 रुपए हो गया, तो कितने लोग जाके उसमें घुसते हैं बिना किसी के पता ही नहीं है कैसे क्या, बट वो नहीं दिखाते हैं कि वो 1 रुपए से 100 रुपए गया, बट उससे पहले वो नीचे भी आया, नीचे भी आया हुआ है, ऑब्वियसली है। तो मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ 15 रुपए का एसएल मैक्सिमम लेके चलता हूँ, 15 रुपए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लो, मान के चलो मेरा एक एसएल हिट हो गया ना दिन का, सिंपल है। तो जैसे हम अगर इसमें देखते हैं गुरदीप वाला अकाउंट में, कहाँ गया मेरा स्क्रीन शेयर, बंद हो गया क्या? बंद हो गया आपका स्क्रीन, शेयर नहीं हो रहा। हाँ बंद दिखा था। तो गुरदीप वाला अकाउंट में अगर हम देखेंगे प्रॉफिट, मोस्ट प्रॉफिटेबल डे जुलाई 25, हाँ 38 लाख। तो इस दिन क्या था, मतलब कोई बड़ा मतलब ट्रेड लिया गया था? उस दिन वो ग्लोबल मार्केट सारा क्रैश हुआ था 25, या वो तो जून था ना, जुलाई 25 भी था क्या? ओके देखना पड़ेगा, चार्ट देखना पड़ेगा, देखना अच्छे से, तब जापान का निकी देखना उस टाइम। ओके डाउन था। ओके 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 जुलाई 25 ना, हाँ देखेंगे। तो उसी दिन वो जो मतलब वो पी वाला ट्रेड, तो फिर है वो पी वाला, देखो। ओके ओके ओके, उसके बाद जाके मतलब वो एक ही ट्रेड था या मल्टीपल ट्रेड्स थे? नहीं वो मल्टीपल ट्रेड्स थे। ओके बट तो पी में थे सारे, वो सारे पी ही थे। हाँ। और लॉसेस भी जो लिया गया है कांस्टेंटली रहता है क्वांटिटी का। मैंने ये चीज देखी है कि अगर आपकी पैसा कमाना है ना, इतनी चीज है कि आपका एक ही चीज है, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। हाँ अगर आपका रिस्क मैनेज है, अगर मेरे को पता है, मैं आप बोलोगे ना मैं यही सोच के चलता हूँ, मतलब मैं एसएल मेरा है 15 रुपए का, 15 × कितनी क्वांटिटी में ले रहा हूँ, कितना पैसा होगा, इतना ही है शॉर्ट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं भी वैसा ही, मेरा दिमाग में ऐसा है कि 900 क्वांटिटी 50 रुपया हुआ तो 50,000 गया, अगर मतलब 1800 क्वांटिटी हुआ तो 1,00,000 गया, सिंपल कैलकुलेशन, उसके साथ आप मल्टीप्लाई करो, सिंपल कैलकुलेशन। इतना ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी चीज को आप देखोगे ना, लोग कैसे कैसे सेल कर रहे हैं ना, क्या बोलूं, मतलब रिस्क मैनेजमेंट के नाम पे। हाँ जी, रिस्क मैनेजमेंट के नाम पे, एग्जैक्टली रिस्क मैनेजमेंट के नाम पे लोग ऐसे ही कोर्स बेच रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, खरीद रहे हैं, और इसमें कुछ है नहीं इतना का। आपकी स्ट्रेटेजी है 12 रुपए का सेल है, मैं 12 पे करता हूँ, बट कभी कभी 15 पे ले लो, 15 × कितनी क्वांटिटी है, 10,000, 20,000, 40,000, 1,00,000 × और उसका डबल प्रॉफिट, सिंपल 1:2 है बस। हाँ उतना आया तो गया, उतना आया तो आया, अगर नहीं आया तो कभी ट्रेल कर लो 1:1। बट ट्रेडिंग जो है मैं मोस्ट प्रोबेबली जो ट्रेड्स खींचता हूँ ना लंबे, वो क्रिप्टो में, वो क्रिप्टो में खींचते हो? हाँ क्रिप्टो में मैं ट्रेड बहुत अच्छे अच्छे खींचता हूँ, मेरे पास आपको मैं बताता हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी होंगे। मैंने एक बार $1,000 लगाया था और $6,000 निकाला था। ओके times। हाँ बट वहाँ पे लेवरेज भी थी। अब मैं लेवरेज क्यों ज्यादा लूंगा, अब आधे बोलते हैं ना, कोई कभी लेवरेज देखते हैं ज्यादा, वो बोलते हैं ये तो जुआ खेलता है, बट उनको पता ही नहीं कि मान के चलो मेरा असल मेरे को प्रीमियम चार्ट पे दिख रहा है 1% का, सॉरी। हाँ, तो मैं वहां पर लूंगा लेवरेज खाली 10x। हाँ, 10 × 1 हो गया 10% का असल, 10% जाएगा उसमें, ठीक है, ऐसे सिंपल कैलकुलेशन है। अब मेरे को वही प्रीमियम चार्ट पे दिख रहा है 0.10 या 0.20, तो मैं उस हिसाब से लेवरेज को एडजस्ट करूँ। हाँ सिंपल, हम लोग जैसे क्या करते हैं, हम लोग क्रिप्टोज में क्या करते हैं कि हमें मालूम है कि हमारा 200 पॉइंट में हमारा इतना पैसा लॉस होगा, क्वांटिटी अगर फिक्स है 200 पॉइंट में इतना लॉस होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर 200 आया तो एट मैक्स 250 270 तक वेट करेंगे, उसके बाद भाई काटो, नेक्स्ट वाला ट्रेड में देखेंगे 500-600 पॉइंट लेने के लिए ट्राई करेंगे। मैं हमेशा विनिंग ट्रेड को हमेशा मैं खींचता हूं लंबा, लूजिंग को मैं नहीं खींचता हूं कभी भी नहीं। अगर आप ट्रेड कर रहे हो निफ्टी में तो अच्छा खासा, मतलब ज्यादा, मतलब बैंक निफ्टी की तरह पागल तो नहीं करता है वो, ज्यादा से ज्यादा इधर उधर होता भी तो 4 रुपए 6 रुपए बैंक निफ्टी तो पता नहीं मेरे को, मेरा हाथ नहीं बैठा ये क्या है, बट मैं नहीं, बट जिसपे हाथ बैठा है उसको जमा कर चलो, उसी को करो, जिससे जो होता है, जिससे जो होता है। निफ्टी में मेरा हाथ अच्छे से जमा है, 4x में नहीं जमा है, मैं जाता ही नहीं उसमें। हाँ मतलब नहीं है, मतलब नहीं है, जिससे जो होता है उसको वही एक काम ही करो, एंड में पैसा कमाना है वो कमा रहे हैं, सिंपल है, सिंपल है।
तो एक्सप्लेन द हाईएस्ट प्रॉफिट डे, उसके बाद जाके लॉस डे पे जाएंगे। तो जिस दिन हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ था उस दिन आपने क्या, मतलब उस दिन साइकोलॉजी क्या था कि उस दिन आप मल्टीपल ट्रेड लिए थे या क्या था? उस दिन मैंने शाम को ही देख लिया था कि मार्केट क्रैश होगा कल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पूरे ग्लोबल मार्केट डाउन थे। तब आप चेक करना, तब शायद नेसडेक भी 800-900 पॉइंट नीचे था ओके और ओके। तो उस दिन निकी भी सुबह से ही शायद, आपने ट्रेड लिया था या हाँ वेट किया कि सुबह ही मार्केट से सुबह खत्म ही होने वो दो? स्नाइपर वाला सुबह फन हो गया, पूरा सुबह सुबह ले लिया सुबह ले लिया था। निफ्टी? हाँ कितना क्वांटिटी? क्वांटिटी मैंने लिया था उसमें आई थिंक शो शायद 33,000 कुछ ऐसा होगा, मुझे याद तो थर्टी थ्री 33,000 में थर्टी अगर थ्री 15 रुपया जाता है तब तो 40 लाख का लॉस है। 33,000 हाँ 33 into, बट उसमें मैंने ना कैसे किया हुआ था, उसमें मैंने एसएल रखा था। वो ये अब हर बार नहीं रहता है ना एसएल 12 रुपए का ही 15 रुपए का, ओके छोटा कभी छोटा भी रहता है। वही मैंने आपको भी कहा ना रखते हैं। हाँ क्वांटिटी मेरी कैसे डिसाइड होती है एसएल पे। एसएल पर क्वांटिटी डिसाइड होती है। ओके ओके हाँ समझ गया। हाँ कि अगर तो 10 लाख का है तो 10 लाख के हिसाब से इतना रुपए का मेरा, मैं इतना क्वांटिटी लूंगा ऐसा मतलब करके। एसएल पहले देखता हूँ कितना है फिर क्वांटिटी लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को 10,000 क्वांटिटी से ही ट्रेड लेना है, चाहे एसएल 100 रुपए को, ओके बड़े पहले एसएल होगा 3-4 रुपए का तो मैं क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, एसएल ज्यादा होगा बड़े तो क्वांटिटी कम कर लूंगा। ओके ओके। तो उस दिन वही एक ही ट्रेड ही जम गया या वो वो ट्रेड एसएल लगा एक फिर ट्रेड उसके? जम गया था, फिर उसके बाद एक और लिया था बाद में, ओके तो लॉस उस दिन लॉस ट्रेड गया ही नहीं है। उस दिन कोई लॉस नहीं गया था, उस दिन कोई भी लॉस ट्रेड नहीं गया था। उसी में मैंने उसी एक ही, मैं आपको स्ट्राइक प्राइस भी बताता हूँ उसका, उसी में दिखा रहा 27 कब का था ये, हूं, ये था अपना जुलाई 25 July 25 जुलाई 25। आपको, यस हाँ 24450 का पुट ऑप्शन, ओके 2445 24,450। 450 का पुट ऑप्शन, तो वही एक ही ट्रेड 2 बार लिया गया है? हाँ वो ही लिया था। इसका प्रीमियम ओके मेरे को अभी तक याद है, मैंने इसको काटा था 250 के आसपास, तो क्योंकि उस मेरे दिन ये पास था क्या, देखें उस दिन क्या डे क्या था? जुलाई 25। जुर्माना, ये 25 जुलाई था, ये मेरे पास स्क्रीनशॉट था, हाँ 25 जुलाई था। ये डे क्या था, ये उस दिन ये एक्सपायरी था क्या निफ्टी का? एक्सपायरी था, एक्सपायरी था, सॉरी ओके ओके ओके। निफ्टी तो एक्सपायरी में दे के गया है वो। और जो सबसे हाईएस्ट लॉस डे कौन सा है? लॉस डे मैं आपको बताता हूँ। लॉस डे हुआ था आपको आई थिंक उसी उसी वही गुरदीप वाला अकाउंट में ही दिखा रहा है। 14 लाख हाँ अगस्त सिक्स अगस्त उस टाइम सिक्स क्या, हाँ August 6 में उस टाइम क्या हुआ था, ट्रैप हुआ था, ओके मार्केट नीचे था, मेरे को क्या लगा कि ये फिर से क्रैश होगा, बट उल्टा हो गया उस टाइम, तो ओके मैंने काट के पोजीशन साइड हो गया। मैंने कोई मेरे मेरा अगर एक एसएल जाएगा ना तो मैं ओके बाहर हो जाऊंगा मार्केट, कि मैं रिवेंज नहीं लूंगा कि मेरे को आज ही सब कुछ लेना सब है कुछ जाके, निकले के निकलना है। तो अब उस दिन वही पुनः एक ही एसएल लगा था, एसएल लगा मैं बाहर हो गया, एक ही ट्रेड? एक ही ट्रेड एसएल ओके लगा, रिवेंज ट्रेड नहीं है कि मतलब लॉस हो गया तो मेरे को अभी इसको रिकवर करना है। जब हाँ आपका दिन नहीं है तो नहीं है, सिंपल एक्सेप्टेड कि आपका दिन नहीं है आज, नहीं लैपटॉप है बंद और बात चिल नहीं करो। रहा। तो उस जब दिन मैंने 15 लाख का इसको एसएल लगा है तो क्वांटिटी क्या था? क्वांटिटी तो तब था 12 रुपए का एसएल था, आप खुद ही देख लो कितना ओके होगा, 10 हजार 10 10 हजार ऐसे कुछ। 10-11 हजार ओके तो एसएल 12 रुपया लगा तो गया पूरा, 12-14 लग गया उसमें। मैं हमेशा यही करता हूँ कोशिश कि मल्टीपल ऑफ 1800 हो, 1800 into 8, ओके क्योंकि वो हाँ जीरो मतलब दा में वो नहीं है, वो ना फिर डन वाला नहीं है इसमें कि वन टाइम पे, हाँ, जीरो था मैं तो मारना पड़ेगा ऐसे इसीलिए करके, मेरे को माना होता है आइसबर्ग 18 आइसबर्ग। 10 हो गया 18,000, 18 से into 5, 1 2 3 4 5, डक आइसबर्ग आइसबर्ग मारना पड़ेगा वरना। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। ऐसे रहता तो सही। ये आपने, आप बोल रहे हो कि आपने स्टार्ट किया था ऑप्शंस ट्रेडिंग 2019, 2019 में तो मैं मतलब क्या आपको बोलूँ, कुछ पता भी नहीं था मेरे को ये भी नहीं पता था कि ATM ITM OTM क्या होते हैं। अब वो तो लोग की आज तक भी बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता, वो ट्रेड करते हैं बट उनको वो भी मालूम नहीं रहता कि एटीएम आईटीएम का मतलब क्या, उनको खाली मालूम है कि फिर धीरे सीईपी। धीरे करके फिर मैंने क्रिप्टो, आपको पता होगी तब क्रिप्टो में आता था, पता आपको शायद पता होगा या नहीं, कॉइन स्विच प्रो, कॉइन स्विच आता हाँ था। मैं तो कॉइन स्विच का ये था ब्रांड एम्बेसडर था ओ मैं आपको बहुत सारे अच्छा, वीडियोस उनके कॉइन स्विच वहां पर दुबई में भी चलता है बने। या नहीं, इंडिया इंडिया में, में था ना, मैं इंडिया में था तब, टू आप थाउजेंड इंडिया में था 2020 में था। 2019 हाँ तब मैं था, तो मैं ओके, उनके कॉइन लिए बहुत सारा वीडियोस उन्होंने मेरे को मतलब स्विच, तो हाँ कॉइन कौन स्विच सी में मेरा पहला जो डिपॉजिट था वो था 500 रुपीज का, और मैंने 500 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट किया, विद प्रूफ बताऊं ओके 500 रुपीज की, सिर्फ 500 से ओके सिर्फ 500 रुपया। तब मैंने लिया था एक कॉइन आता था मेटल, METAL, okay. और मेरे को कुछ नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, बस मैंने वो,
कॉइन स्विच में हमने डॉज कॉइन लिया हुआ था, उसको शायद हमने 10 times या 20 times में वीडियो में एग्जिट किया था, वीडियो में एंट्री, वीडियो में एग्जिट। आपको मैं डॉज का एक सीन बताता हूँ। आप कह रहे हो ना न्यूबीज होते हैं वो कैसे ट्रैप होते हैं, आपको याद है तब डॉज कॉइन एलन मस्क ने तब ट्वीट किया था, याद है जब उन्होंने किसी शो में आना था, हम कुछ शायद ऐसा जब डॉज कॉइन बहुत पंप हुआ था, खतरनाक पंप हुआ था तब मेरे को ये लगा था कि मे भी ले लेता हूँ, न्यू चैनल पे आना है, तब मेरे को नहीं पता था ये क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था और मैं ट्रेड भी नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ खाली स्पॉट में ये कर रहा था, मतलब वही आप मान के चलो स्पॉट में खरीदो बेचो मैंने तब लिया था, वो टॉप पे पूरा ऊपर में पूरा टॉप पे, क्योंकि मेरे को लगा था ये आएंगे कुछ ना कुछ अनाउंस करेंगे तो ये डॉज कॉइन ऊपर जाएगा। उसने तो कुछ बोला नहीं उसमें और वो सारा नीचे आ गया, फिर मैंने 25 पे काटा था उसको, फिर वो तो नीचे आ गया, मेटल स्टोर्स में मैंने पैसा, फिर धीरे धीरे करके फिर मेरे को पता चला नहीं ये तो मैं सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट एक्चुअल तो ट्रेड तो बाइनेंस में होती है, उसमें तो ये भी होता है, फिर मैंने बाइनेंस अकाउंट ओपन किया उसमें $100 डाले फ्यूचर्स में, तो मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में कि वो बिल्कुल जीरो हो गया, पूरा उड़ गया 5 मिनट में। क्रिप्टो में मैं ट्रेड करता हूँ मॉर्निंग में सुबह 5:30 सुबह ओ जब खुलती है, जब ओपनिंग होती है तभी, हाँ वही सबसे बेस्ट, वही टाइम एक्चुअली सबसे बेस्ट वही टाइम है क्रिप्टो के लिए, पूरा अर्ली मॉर्निंग में ही ट्रेड खत्म करो। अब ये चीज भी नहीं पता होगी बीच में घुस जाएंगे, वही है मतलब अगर मैं सुबह उठ गया 5:30 तो मैं ले लूंगा ट्रेड, लेट हो जाता है तो फिर नहीं, फिर कभी ले लेता हूँ शाम को 6-7 जब वो जब यूएस मार्केट खुलती है, यूएस मार्केट खुलने के टाइम उस पर भी होता है। तो उसके बाद आया डू यू हैव एनी मेंटर्स और गुरुज या आपने सब कुछ खुद ही पढ़ा खुद ही सीखा? मेंटर है मेरे बट मैं उनका नाम नहीं लूंगा अभी, वो आपको बाद में ऑफलाइन बता दूंगा, बट वो मेंटर ऐसे नहीं है मतलब वो ना कुछ कोर्स सेल आउट करते हैं कुछ ओके ओके जब मैं ऐसे ही ट्रेड करता था ओके एक टेलीग्राम ग्रुप था ओके मैं बस उसमें मेरे को पता कुछ नहीं था बस मैं ट्रेड शेयर करता था ओके तो धीरे धीरे करके जब मेरे को नहीं समझ आ रहा था तो बट मैं उनके साथ कॉन्टेक्ट में था ओके और तब मैंने जब वो कहा ना मेरे को ऐसे वो जीरो हो गया पैसा ओके तब मैंने उनको सुबह कॉल किया था 5:30 तो मैंने कहा भाई ऐसे हो गया, कहा यार मनप्रीत क्या कर रहा है, कहा भाई नहीं पता, कह रहा है कोई नहीं आप एक काम करो आप हैदराबाद आ जाओ, हैदराबाद आ जाओ ओके, वो मारवाड़ी है ओके उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है क्योंकि उन्होंने मेरे को सच में हाथ पकड़ के सिखाया, वो पूरा हैंड होल्डिंग विदाउट कुछ भी नहीं मतलब कोई चार्जेस कुछ नथिंग, अभी भी वो बुलाते हैं कभी बोलते हैं आ जाओ हैदराबाद, अभी भी टच में हूँ उनके साथ ओके उन्होंने मेरे को पूरा, मैंने आपको कहा ना जब मैं हैदराबाद गया मैंने कहा भाई बता दो, कह रहे बता दूंगा कोई नहीं, तो तब उन्होंने फिर बोला मेरे को निफ्टी ऐसे होता है, उन्होंने मेरे को ये सब कुछ बोला okay. ऐसे होता है निफ्टी ओनली, उन्होंने मेरे को कहा कि बैंक निफ्टी में मत जाए क्योंकि मैं भी नहीं जाता हूँ ओके okay. एक वीडियो है मेरे को अभी तक याद है 2021 की उनकी वीडियो है, उन्होंने तब 1.5 लाख रुपया कमाया था ओके ठीक है, तो उन्होंने एक वीडियो ली थी वो मेरे पास है, तो कहा मैंने कहा भाई आपका तो बढ़िया, कह रहा भाई मेरे को ट्रस्ट है तेरे पे तू भी इससे ज्यादा कमाएगा, और जब मैंने प्रॉफिट सबसे पहला वो आयुष वाला दिया था मैंने कॉल किया तो वो कह रहे थे गुरु दक्षिणा वो ऐसे ही छेड़ रहा था बट बहुत अच्छे ही लाइक गॉड टू मी क्योंकि उन्होंने मेरे को कुछ बताया ये कैसे होता है, और आप यू कैन ट्रस्ट कि मैंने आज तक कभी भी ना किसी कोर्स पे एक नॉट अ सिंगल पेनी मैंने कुछ नहीं ओके सब कुछ खुद किए और वो मेरे को बताते थे उन्होंने, हाँ मतलब कोई एक तो चाहिए मतलब किसका एक हाथ चाहिए, एक बंदा एक हाथ चाहिए आपका, आपको ऐसा एक बंदा होना चाहिए हाँ। बट आपको पता है मार्केट में ना है ही नहीं वो जेन्युइनिटी नहीं है मार्केट में हाँ, वो तो है मिलते नहीं है सही बंदे ही मिलते नहीं है, और जो भी मिलते हैं वो ठग के जाएंगे आपको एग्जैक्टली वही है। तो अभी आप मतलब स्ट्रेटेजी आप क्या यूज करते हो, लोगों को वही जानना है कि क्या स्ट्रेटेजी है? स्ट्रेटेजी तो बस कुछ नहीं है ऐसी स्ट्रेटेजी, बस यही है कि स्ट्रेटेजी चलो ठीक है यही है माइंडसेट लगा लो आप, स्ट्रेटेजी तो ऐसे कोई बोलेगा नहीं ऑन कैम हाँ वही तो आप डिस्कस कर लेंगे स्ट्रेटेजी हाँ। मैंने आपको पहले ही कहा स्ट्रेटेजी आपको मैं 100 strategies बता दूंगा आप हाँ। देख रहे होंगे कोई बोलता है EMI क्रॉसओवर कोई कुछ बट मेन चीज है आपकी साइकोलॉजी और मेन चीज है आपकी
रिस्क हाँ, मतलब आप लोगों को कुछ भी सिखा दो, जब तक कुछ उनका भी सिखा साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हुआ होगा वो क्या करेंगे, छोटे प्रॉफिट में निकल जाएंगे, बड़े लॉस तक वेट करके बैठे रहेंगे। क्या कुछ भी सिखा दो, उन्हें कुछ भी सिखा दो, अगर जब तक देखो वो आपको मैं एक चीज साइकोलॉजी होगा। के छोटा सा एग्जांपल दूंगा। लेट सपोज मेरा आज लॉस हुआ 10 लाख, ठीक है ओके समझ, ठीक है आज 10 लाख का लॉस हुआ, कल मेरी ट्रेड अच्छी है, मेरा सेटअप भी अच्छा, सब कुछ अच्छा है, बट मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है 1 लाख रुपया 2 लाख, ठीक है, बट मैं अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू रूल मेरे को 1:2 पे निकलना ही है। अगर 1:2 पे मत निकलो, 1:1 पे निकलना ही निकलना है। अब जब मैंने निकलना कल है। 10 लाख का लॉस दिया, आज मेरे को 10 लाख का प्रॉफिट तक रुकना है या तो मेरे को ऐसा लेना है। यहाँ पर साइकोलॉजी लोगों की क्या होती है यार, कल 10 लाख का आज 2 लाख आ रहा है, निकाल दो। निकाल दो, बस यही चीज है। यहाँ पे आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करोगे आप बताओ। क्या स्ट्रेटेजी यूज करो, कुछ भी सिखाओ उनको वो। अब तपस भाई ट्रेड करते हैं, आई कैन गारंटी वो ठीक है, जो वो बताते हैं जेन्युइन है वो, बट कुछ ना कुछ तो उनकी सिक्रेट होगा पॉकेट में, ऑफ कोर्स हाँ वो तो है ही। आपके पास भी होगा, वो तो इतना नहीं, पता है। मैंने तो पब्लिक कर दिया सब कुछ, मतलब कि चलो ठीक है, लोगों को, लोग इतने दुखी रहते हैं, उनको थोड़ा सिखाने के लिए मैंने सब कुछ पब्लिक ही कर दिया। बट लोगों को फिर भी क्या, मैं भी वही देखता हूँ कि उनको कुछ भी सिखा दो। जैसे मैं एक चीज सिंपल बोलता हूँ कि आपको कुछ भी सीखो या मत सीखो, आप अगर एक चीज का ये कर लो कि मैं दिन में इतना ही रिस्क लूंगा, अगर ये एग्जैक्टली एक चीज को 2 महीने तक भी कंटिन्यू करो, उसके बाद आके मेरे को प्रूफ देके बताओ कि आपने माना है कि नहीं। एक हाँ बंदा भी आता नहीं है, एक बंदे भी नहीं आते, बोलते कि नहीं सोम भाई हमसे तो ओवर ट्रेड हो ही गया। तो मैं लगे ठीक है, अगर आपने वही एक चीज को फिक्स कर लिया होता, उसके बाद आपको कभी पूछना नहीं पड़ेगा कि स्ट्रेटेजी क्या है, वही स्ट्रेटेजी बन जाएगा। रिस्क ही अगर वही फिक्स हो गया स्ट्रेटेजी और है, कुछ वही स्ट्रेटेजी सब चाहिए ही नहीं, स्ट्रेटेजी चाहे वही आपको स्ट्रेटेजी क्या, है। हाँ आप चाहे लाइव ट्रेड भी कर लो ना, लाइव ट्रेड आप ऐसे साथ में चेयर रख लो उस बंदे की, जो भी होगा एक्स वाई जेड एबीसी, नहीं होगा जब तक उसकी खुद का वो नहीं होगा, हाँ, पॉसिबिलिटी नहीं देखा है, होगी। हमने लाइव में देखा हुआ है क्योंकि तो मैंने देखा है, वो। जब मैंने आपको कहा मेरे मेंटर जो भी मेरे भाई है, जब उन्होंने वो 1.5 लाख कमाया था ना, तब मैंने 10,000 ही प्रॉफिट निकाला था सिर्फ। क्यों? क्योंकि मेरी तब साइकोलॉजी ही 10,000 की थी, हाँ, साइकोलॉजी उतनी थी, समझ लो ये चीज है। वही होता है। तो वही होता है, वो लोग पूछते रहते ना कि अरे साइकोलॉजी स्ट्रेटेजी पूछ लो, स्ट्रेटेजी पूछ लो। मैं कहता हूँ कि भाई जो भी कोई भी स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी तो होता नहीं है, रूल्स होते हैं। उस स्ट्रेटेजी का वर्ड ही वो गलत है। आप ऐसे पूछ सकते हो कि रूल्स क्या है, आप रूल्स क्या रखते हो अपने ओवर लिए ट्रेड नहीं करनी है, बस। साइकोलॉजी अपनी माइंडसेट, बस अपना रिस्क, सबसे बड़ी बात है ट्रेड से जाने से पहले अपना रिस्क कैलकुलेट करो। बट लोग उल्टा करते हैं, आपने देखा होगा लोग पहले देखते हैं भाई मैंने तो 10 लाख लगा दिया आज तो 10 लाख निकाल के ही रहूंगा, बट वो लॉस ये नहीं देखते कि हमारा लॉस कितना है शेयर में। कितना होगा, वो अगर आप लॉस लॉस लेके सोचते चलोगे ना, मान के चलो मैंने अभी ट्रेड लिया, मेरा SL है 2 लाख का, तो नहीं। आई एम रेडी टू गिव 2 लाख, मेरा फिर वहां पर मूड ऑफ होना ही नहीं चाहिए होना ही नहीं क्योंकि मैं चाहिए। 2 लाख लॉस देके निकला। हाँ, अगर हो रहा है तो कम कर दो, लॉट साइज ही कम कर दो। लॉट साइज कम कर दो अगर आपको नहीं, 2 लाख बड़ा लग रहा है। वो प्रॉब्लम ये होता है ना, वो क्या करते हैं कि ट्रेड में घुसने से पहले उनको लगता है कि ये ट्रेड तो प्रॉफिट में ही जाएगा, लॉस के बारे में सोचते ही नहीं। हाँ अगर आप लॉस लेके चलोगे ना, मेरा SL इतने रुपए का है, मैं 1 लाख 1.5 लाख से निकलूंगा, फाइन ओके। कल हाँ, आएगा के तो आएगा, मान लेके मेरे जाएंगे। मेरे वही गुरु मेंटर भाई जो भी कह लो, हाँ, उन्होंने मेरे को कहा था कि मनप्रीत एक बात याद रखना, लॉस हो गया तो बाहर निकल जाओ, मार्केट में खड़े रहोगे ना तो पैसा कमा लोगे, मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा पैसा, बस खड़े रहना, खड़े जब तक रहना है। वर्कआउट नहीं करना, हाँ, एक वो तो ट्रेड सही है। रेंज ले 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 कि जीरो नहीं करना, एक ट्रेड है, कल कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, तरसों नहीं साल के बाद, कैपिटल वहीं पर है, दिमाग तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास आ जाएगा पैसा, आ जाएगा, घूम घाम के आ पैसा तो जाएगा, आ ही जाना है। तो आप ओनली बाइंग करते हो या सेलिंग भी करते ओनली हो? बाई, ओनली बाई। तो सेलिंग आती है नहीं आती? सेलिंग थोड़ी बहुत मेरे को उन्होंने सिखाया था, कुछ ओके दूर का वो पुट बेचना और कुछ ऐसे, मतलब वो रेंज में दूर हाँ, का, स्ट्रैंगल स्ट्रैंगल मेरे पर करते नहीं को हो आप, मैं नहीं करता हूँ, जो चीज मेरे को नहीं जमती है मैं वो करता और है, समझ भी नहीं आता तो छोड़ दो। चाहे कोई कोई भी बैठ जाए मेरे साथ अगर वो करता होगा, जैसे Forex है वो भी करते हाँ, हैं गुरु भी, नेक्स्ट लेवल Forex करते हैं, पर ओके हाँ, उन्होंने मेरे को इतनी बार समझाया, इतनी बार इवन उन्होंने मेरे को एक बार तो अकाउंट भी दिया था, वो लेके वो देते हैं ना शायद 10,000, प्रो, ये उन्होंने वाला तो प्रॉप देखा, अकाउंट, प्रॉप मैंने कहा अकाउंट। भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरे को नहीं समझ आ रहा, आप खुद ही ले लो, कहा भाई करके तो देख, मैंने कहा मुझे नहीं, उसमें मेरे को वो उसमें जैसे निफ्टी में होता है क्वांटिटी, क्रिप्टो में होता है हम लेवरेज लेते हैं, उसमें होता है वो लॉट्स, परसेंटेज
उसमें वो मेरे को वो रिस्क कैलकुलेट करना समझना हाँ, कि इतना रिस्क होगा तो बंद हो जाएगा, वो पिप्स का नहीं, मेरे को थोड़ा हिसाब पिप, हाँ पिप्स वाला, हाँ सबके साथ वो थोड़ी एक दो ट्रेड करोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा कितना पिप्स में कितना चल जाएगा, कितना पिप में कितना रिस्क, वो मेरे को थोड़ा सा समझ आया। जैसे क्रिप्टो का मेरे को पता है कि परसेंटेज में स्पॉट में देखते, आप पॉइंट्स में देखते हो, एक्स नेक्स में, मैं जब बाइनेंस में ट्रेड करता हूँ ना तो मैं ट्रेड लेता हूँ, जैसे स्पॉट में दिख रहा है मेरे को 0.20% का SL, ठीक है, तो 0.20 इनटू लेवरेज कर लेता हूँ मैं, कितनी लूंगा 10, 20, 30 व्हाटएवर, फिर उसको अमाउंट के करता हूँ, SL दिख जाता है, इतना ऐसा लगे ऐसा दिख गया, और सेम होता है किसमें, स्पॉट में आप चलो निफ्टी में रुपए का दिख रहा है तो 15 रुपए का हो गया अपना, हो गया हाँ, वो तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो आप ओनली इंडेक्स में आप ओनली निफ्टी करते हो, आपको अभी कुछ ट्राई किया, ट्राई भी नहीं किया, ओनली निफ्टी, ट्राई भी नहीं किया, बैंक निफ्टी ट्राई भी नहीं करते, नहीं किया, किया बीच में किया, पैसा भी कमाया लेकिन वो मेरा साइकोलॉजी हिट कर रहा था। हाँ मतलब चार्ट समझ में नहीं आती होगी, फिर मेरे को साइकोलॉजी कैसे हिट कर रहा था, लेट सपोज मैं निफ्टी में भी वही चीज कर रहा हूँ, मान के चलो मैं लॉन्ग हूँ मैं निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी, लेकिन मेरा निफ्टी वाला सही जा रहा है, बट बैंक निफ्टी वाला ठीक है लॉन्ग ही जा रहा है, बट वो खा के जा रहा है, तो वहां पर मेरी साइकोलॉजी हिट हो रही है। तो मेरा मेरे साथ भी वही होता था, मैं क्या करता था लास्ट साल तक 2023-24 जैन तक मैं बैंक निफ्टी का पोजीशन लेता था एक ही ट्रेड में, बट बैंक निफ्टी का एक स्ट्राइक, दो स्ट्राइक प्रेस और निफ्टी का एक स्ट्राइक प्रेस लेता था, उसमें वो होता था कि मैं दोनों को साइड बाय साइड देखो, ये बैंक निफ्टी जा रहा है पर निफ्टी किस दिन नहीं जा रहा है, किस दिन निफ्टी जा रहा है बैंक निफ्टी नहीं जा रहा है, अपोजिट हो जाता बात करता था, तो मैंने लास्ट में फिर बंद कर दिया, फिर निफ्टी का मैच का स्ट्राइक लेता ही नहीं, ओनली बैंक निफ्टी का स्ट्राइक ही लेता है। अपने सेंसेक्स भी देखा होगा कितने बंदे सेंसेक्स करते हैं, बहुत लोग करते हैं, जमता है नहीं है, मेरे को मेरे को समझ भी नहीं आता, मेरे को समझ भी नहीं, मैं इतने सारे चार्ट देख के मैं पागल हो जाऊंगा। देखो आप खुद बोल रहे हो आप समझते नहीं हो, तपस इज वेरी क्लोज टू यू, है ना, तो आप नहीं, जो चीज आपको नहीं जमती है बस यही चीज अगर समझ आए मैंने आज तक लाइफ में मेरा BSC वाला एनेबल ही नहीं है, मैंने कभी सेंसेक्स, मेरा भी नहीं है एनेबल ही नहीं है, तो 90 का होता कुछ ऐसा कुछ होता, तो समझ में नहीं आता, उसके अंदर घुस के कोई फायदा भी नहीं है। तो उसके बाद आया कि हाउ डू यू योर अप्रोच टुवर्ड्स रिस्क मैनेजमेंट, मतलब रिस्क मैनेजमेंट का क्या अप्रोच है, मैनेजमेंट आपको मैंने बताया कि रिस्क कैसे कैलकुलेट होती है, तो रिस्क पर डे का फिक्स है क्या कि मैं इतना ही रिस्क लेना है, बट डेली ट्रेड लेता ही नहीं, ओके डेली ट्रेड ही नहीं लेते, तो चार्ट्स पर देखना पड़ता होगा, चार्ट्स, हाँ चार्ट्स तो मैं देखता हूँ, चाहे मैं ट्रेड लूँ ना लूँ, बट मैं चार्ट डेली ही एनालिसिस करता हूँ, और सोने से पहले तो जरूर करता हूँ। तो कितना टाइम, एक दिन में कितना टाइम चार्ट देखते हो? मैं सारा दिन चार्ट ही, अगर आपको मैं स्क्रीन टाइम दिखाऊँ ना, मेरे ट्रेडिंग व्यू का ही सबसे ज्यादा नहीं, लाइव मार्केट में आप क्या पूरा 9 से लेकर 3 बजे तक चार्ट देखते नहीं, हो? नहीं 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 नहीं, जब लेट सपोज मैंने शाम को सोने से पहले पूरा एनालिसिस कर लिया, कर लिया तो मार्केट का एवरेज सब कुछ मैंने कर लिया, ठीक है, फिर मेरे को एक सुबह का ओवरव्यू थोड़ा बहुत पता चल जाता है, और सुबह आपने देखा होगा SGX निफ्टी मॉर्निंग में 6:30 बजे ओपन होता है, हाँ गिफ्ट निफ्टी वाली, गिफ्ट निफ्टी वाली, अब उसका नाम चेंज हो गया, तो तब मैं जब फिर मेरे को वहां से और ओवरव्यू पूरा एक बार ना क्लियर हो जाता है कि क्या ओवरव्यू है, पूरे क्या हो रहा है ग्लोबल मार्केट में, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, या फिर मैं सुबह ट्रेड लेता हूँ, जिस दिन मैंने ट्रेड लेना होता है ना तो उस दिन मैं फिर बैठता हूँ, कब तक बैठता हूँ, जब तक अपनी पोजीशन कट नहीं होती है, चाहे प्रॉफिट चाहे, ठीक है, वो कट होगी फिर मैं साइड हो जाता हूँ, फिर मैं शाम को देखता हूँ मार्केट 7, 8, 6, 7 बजे जब डॉव वगैरह ओपन होते हैं, 7 बजे 7 बजे होता है, बट डिले सकता है 15 मिनट, तब फिर सोने से पहले 2-2.5 बजे मैं देख के सोता हूँ कैसा क्लोज हुआ है, फिर सुबह तो उठता ही तो ये अभी आप ट्रेड को कैसे मतलब डिसाइड कैसे करते हो कि मेरे को सुबह ही ट्रेड लेना है या बीच में ट्रेड लेना है, वो उसी टाइम पता चल जाता है कि कितनी वोलेटिलिटी है मार्केट में, तो सुबह आप देखते ही हो, मतलब देखता ही देखता हूँ, सुबह उठता ही क्योंकि जब मैं उठ गया मॉर्निंग ट्रेड क्रिप्टो में वो वाली, फिर अगर आपको भी पता है अगर क्रिप्टो की सुबह वाली ट्रेड हाथ में आ जाए ना तो उसको और दिन भर ट्रेड नहीं चाहिए, कुछ नहीं बस उसको देखते रहो और अपना SL ट्रेल करते रहो, ट्रेल करते रहते जाओ बस, ये ये इंडियन मार्केट वाला ट्रेड आप बोलते हो कि मैं हर दिन ट्रेड नहीं करता, तो बट आप चार्ट को देखते हो, तो ऐसा कोई टाइम है कि आप डिसाइड करते हो कि मैं इसके बाद और ट्रेड नहीं लूंगा, जैसे मेरे लिए ऐसा है कि मैं अगर 10:30 हो गया मतलब 10:30 के बाद नहीं लेता, सेकंड हाफ में तो कभी ट्रेड नहीं लेता, तो मतलब सुबह से 2 बजे तक देखते हो क्या चार्ट? सुबह से नहीं, जैसे मैं सुबह पहले मेरे को पता चल जाता है, सुबह जैसे मैं उठता हूँ पहले 10-15 मिनट में देखता हूँ कि कैसे चल रहा है, कभी कभी आपने देखा होगा ना पूरा डल हो जाता है मार्केट, हाँ, पूरा बिल्कुल रेंज में, फिर तब जब रेंज बन जाती है फिर मैं
रेंज बना के अलर्ट लगा के कोई ओके काम वगैरह, फिर जब वो हाँ कभी आइदर साइड ब्रेकआउट होता है तो तब ट्रेड लेता हूँ, अगर नहीं तो ओके नहीं, ओके ओके अलर्ट मार के छोड़ देते हो तब। अलर्ट मार के छोड़ देता ओके 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 तो ये जो डेली लॉस का ये जो फिगर्स है वो हर दिन फिक्स रहता है या वो अलग अलग करते रहते हो? हूँ। नहीं, अलग अलग रहता है वो। तो कैसे डिसाइड करोगे? जब कभी क्वांटिटी मेरी, लेट सपोज मेरी क्वांटिटी है आज का, मेरे कल मेरा लॉस हुआ, ओके ऐसे बताता हूँ मैं आपको, कल मेरा ओके लॉस हुआ 1 लाख का, ओके ठीक है। अब मेरे को अगला यही टारगेट रहेगा कि मेरे को श्योर शॉर्ट ट्रेड लेनी है विद डबल क्वांटिटी। डबल क्वांटिटी। ओके अगर अब वो वाला भी लॉस जाएगा तो फिर मेरी क्वांटिटी आधी हो जाएगी तीसरे दिन, तीसरे दिन। तीसरे दिन। हाँ, ओके हाँ आज लॉस हुआ, अब रिकवर करना, ऐसा नहीं है मेरे को आज ही करना है, कल ही करना है, परसों ही करना है, जब मेरे को अपने जोन में आएगा मार्केट हाँ डबल क्वांटिटी से, डबल क्वांटिटी से। ओके ठीक है, विद शॉर्ट स्कैल्प कह लो उसको, आप जो भी कह लो, विद बट डबल 1:2 1:2, या अगर उस टाइम पे मैं डबल से लूंगा तो 1:1, क्योंकि वन पे। ओके आप देखो ना वो हो गया ना हिसाब बराबर। हाँ, बराबर, क्योंकि डबल क्वांटिटी हो गया है, दो हाँ, दिन का डबल हो निकल गया ना, जाएगा। तो अगर मान के चलो मेरा दिन बहुत ही बुरा है, बहुत बुरा है, तो डबल भी हो गया मेरा एसएल, फिर मैं सीधे ब्रेक ले लेता हूँ 1 हफ्ते की, 1-1.5 हफ्ते की ओके सीधे, ओके फिर उसके बाद देखते में नहीं, हाफ क्वांटिटी से ट्रेड लेता चार्ट नहीं देखते, हूँ, चार्ट देखता हूँ, ट्रेड नहीं लेता हूँ, और फिर मैं चार्ट देखते निफ्टी हो में ट्रेड भी नहीं नहीं लेते। लेता हूँ, निफ्टी में घुसता ही नहीं हूँ मैं, मतलब इंडियन में मैं घुसता ही नहीं बिल्कुल भी ओके नहीं, और फिर लंबा भी गैप। क्रिप्टो में, क्रिप्टो वगैरह में मैं खर्चे छोटा मोटा निकल, ओके मतलब पेशेंस है लोगों का, तो वही पेशेंस नहीं है, उनको हर दिन ट्रेड पेशेंस ही लेना चाहिए, पेशेंस इज ऑल गेम, जैसे ही एसएल हिट, अब जब 2 बार एसएल हिट हो गया निकल जाओ निफ्टी से, कोई बंद करो। बात नहीं, वहीं पैसा भी वहीं पे खड़ा है, मार्केट कोई कहीं नहीं भाग रहा है, ठीक है, अपना क्रिप्टो में सुबह उठ गया बंदा, मिल गई ट्रेड, ओके गुड, नहीं मिली तो ओके, उसमें मेरा एसएल रहता है क्रिप्टो में यही $600-700 का, 10,000 ओके का, दस आ उसमें गया तो मैं आ गया तो डबल, आ गया तो डबल आ गया। क्रिप्टो में ऐसे, तो अच्छा है क्योंकि क्रिप्टो में मेरे को मजा लगता है काम पे, मेरे को भी क्रिप्टो ही मजा लगता है, बैंक निफ्टी अच्छा क्रिप्टो में लगता है मजा लगता है, बिटकॉइन। एक तो यूएस मतलब डॉलर में आप कमाते हो और इंडियन में आप खर्चते हो, तो होता है पहली बात, दूसरी बात ट्रेड लंबे खींचते हैं, तो वहां पे बाइनेंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इंडिया में तो बाइनेंस बैंड था ना, बट अभी मैं खुल गया है? अभी नहीं, अभी वापस से वो प्ले स्टोर से हट गया था, आ गया है, वापस आ गया, आ गया है। हाँ वो तो बाकी मेरे तो अपनी फर्म भी रजिस्टर है यहाँ पर, जीएसटी नंबर, टैक्स वगैरह सब कुछ, ओके आईटी ओके तो इसमें अपना बाइनेंस में आप डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करते हो? P2P से, ओ P2P से। P2P पे तो कुछ लिमिट होगा इंडिया में ना, कि इतना पैसा ही कर नहीं सकते, नहीं नहीं कुछ भी लिमिट नहीं, तो बट वहां कितने पर मिलता USDT बहुत महंगा मिलता है? हाँ वो तो है, महंगा बहुत मिलता है, वो भी है, है, 92, 90, बहुत सारे 91, हैं। हाँ 92 मिलता है। उसके बाद आ गया कि फिग, आपका एक दिन में नंबर ऑफ ट्रेड्स कैसे डिसाइड करते हो कि मेरे को इतना ही ट्रेड लेना है, मैं इतना लूंगा, ऐसा बस कोई वही फिक्स? साइकोलॉजी है, मेरे को एक ही ट्रेड लेना, चाहे जो मर्जी हो जाए, ओ एक ट्रेड लेते हो मेरी तरह, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो तो मर्जी उसके हो बाद जाए, मैं कह रहा सेकंड, हूँ मार्केट कितना कुछ दे दे बट नहीं लेना है ट्रेड, तो अगर उसमें इमीडिएटली एसएल हिट हो गया 4-5 मिनट में हो तो गया बंद तो हो गया, हो गया बंद। तो हो ओके गया। आपको तो याद है एक बार वो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, हाँ ठीक है, शाम को 2:50 3 बजे कुछ ऐसा था, जब वो हाँ तब मार्केट हाँ कैसे पूरा शूट अप हुआ था, मैंने तब भी उड़ ट्रेड, गया। बट मैंने उसके अगले दिन BTST कैरी किया था सेम सी पोजीशन, और मैंने ओके तब 7 लाख का प्रॉफिट निकाला, ओके वो तो जब मैंने OBTST करते हो BTST BTST भी करता हूँ, अभी? अभी भी करते हो OBTST? हाँ अभी भी करता हूँ, अभी नहीं, अभी थोड़ा मार्केट साइड, अभी नहीं, उसमें थोड़ा ओके सा वो वाला मोमेंटम अच्छा चाहिए उसमें मेरे को, उसका अलग सी साइकोलॉजी, इसकी अलग सी साइकोलॉजी, ओके ओके तो OBTST भी करते हो, और सुबह का एक ट्रेड हो गया तो मतलब दो, बेसिकली दो ट्रेड भी कभी कभी हो गई। कभी कभी, हाँ, कभी मान के चलो वंस इन अ ब्लू मून, कभी दो वाली हो, हाँ ओके ओके एंड लाइव मार्केट में जाने से पहले मतलब अप्रोच क्या है दिन का, मतलब आप ग्लोबल अप्रोच मार्केट कुछ नहीं ओनली देखते है, हो या लेट कैसा है? सपोज शाम को मैं देख लेता हूँ सब कुछ अपना कैसे क्या रहेगा, देखने से कुछ नहीं होता, एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हाँ कल मार्केट क्या खुलेगा, अब जैसे आप डॉट लेवल्स निकालते हो, मैं भी निकालता हूँ, बट आप किसी अलग इससे निकालते हो कि मैं अलग, तो वो अपने जोन्स मार्क कर लेता हूँ मैं, जब जोन्स मार्क हो जाते हैं उसके हिसाब से फिर मैं देखता हूँ कि अब ऐसा नहीं कि आपका हमेशा जोन प्ले आउट करेगा, हाँ कभी आपका जोन होगा बाइंग का बट ग्लोबल मार्केट होगी नीचे नीचे। तो वो उल्टा हो जाएगा, वो चीज भी देखनी है, ऐसा नहीं कि आपने लकीर खींच दी तो बस उसके ऊपर खींच कुछ ली नहीं तो है, इससे ऊपर ही जाना है। ये चीज भी नहीं है, उसके बाद आया कि मतलब आपने अभी मेरे साथ जो शेयर किया हुआ है, इट्स क्लोज टू 1 करोड़, तो ये सारे जो प्रॉफिट्स है, पहले लॉसेस भी तो हुए होंगे लॉसेस कॉन्स्टेंट भी हुए लॉसेस, हैं, तो हाँ कितने लॉसेस भी आपने हुए, पैसा लॉसेस, कितना प्रोसेस लॉसेस लॉसेस किया मैंने आज? अपना किया था, लॉसेस के 70-80 लाख हुआ होगा, ओके 70-80 लाख लॉस, मतलब लॉस लेने के बाद ये प्रॉफिटेबल जर्नी एक स्टार्ट हुआ है। हाँ
लॉस लेने के बाद प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट। ओके, तो मतलब ये 5 साल में कितना साल लगा ये प्रॉफिट से ब्रेक इवन ये यहाँ पर बनाने के पहुंचने के लिए? लिए मेरे को 5 साल लग गए। ओके, ये कांस्टेंट वो लॉसेस थे आगे आगे सर जितने? कॉन्स्टेंट लॉसेस थे कभी, बट मेरा ऐसे ही था कि मेरा थोड़ा बहुत जो मेरे को पुश मिल रहा था ना, वो क्रिप्टो से मिल रहा था, ओके, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस क्रिप्टो दे रहा था। थोड़ा कॉन्फिडेंस क्रिप्टो दे रहा था कि चल लो चल लो चल लो। अगर आप टोटल ओवरऑल देखोगे तो लॉस लॉस में ही था मैं, बट ओके, बट अभी मैं वापस से आप गेन कर। तब जब 70-80 लाख का भी लॉस था, आप तभी भी हाई क्वांटिटी ही लेते थे या तब क्वांटिटी कम था? नहीं, क्वांटिटी कम ले ली थी, कम लेते थे, बट तब ओवर ट्रेड करते होगे। ओवर ट्रेड करता हाँ यस। वही वही, एक फिर ही जब चीज फिक्स मैं होने के बाद जाके पैसा बचना चालू हुआ पैसा होगा। बचना शुरू हुआ जब, फिर मैं बेसिकली भी बहुत ज्यादा वो स्ट्रेसफुल हो गया था जब मेरे को लॉस हुए थे इतना सब कुछ हाँ होता, तो मैंने कॉल किया आपने हैदराबाद वाले हाँ गुरु, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे हाँ को एक चीज बोली कह रहा तो कुछ मत कर, तो कल टिकट काट और हैदराबाद आ जा। मैंने हाँ कुछ नहीं किया, मैंने कहा भाई सब कुछ मेरे को नहीं समझा रहा क्या हुआ। हाँ फिर उन्होंने मेरे को उस टाइम पे बोला बोला मनप्रीत ये देख मेरा कितना लॉस था उस हाँ टाइम पे, तो वो बहुत अच्छा कर रहे थे बहुत अच्छा, हाँ आज से 1.5 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा ओके भाई मेरे को पता नहीं मेरे को क्या सिचुएशन है, हाँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। और जो आप कह रहे हो ना गुरदीप, मैं इसको हमेशा शेयर करता था कि गुरी हाँ ऐसे ये इसको इतना कॉन्फिडेंस था मेरे को, इतना कहता तू मेरे को पता है तू कर लेगा, तू कर लगा कर लेगा। लेगा। फिर जब मैं उनके पास गया भाई के पास, उन्होंने मेरे को कहा देख मनप्रीत ये एक स्किल है, सबके पास नहीं होती है, तेरे हाँ पास है, तू इसको गवा रहा है गलतियां करके, जब तेरे को पता है। मतलब मैं सच में मेरे को दिख रहा था मेरा एसएल जाएगा, मैं फिर भी लेता था, मैं और फिर भी लेते थे। उस लेवल का मैं, मतलब मेरा माइंड इतना खराब हो गया। हाँ तो उसने मेरे को एक ही चीज बोली क्या तू इधर हैदराबाद में रहा, पूरा चिल कराया उन्होंने 20 एक दिन, मार्केट से मैं पूरा पूरा उन्होंने मेरे को, उन्होंने सबसे पहला पता काम क्या किया, उन्होंने मेरा ट्रेडिंग व्यू अनइंस्टॉल किया, जीरोधा ईच ओ, एवरीथिंग सब उड़ा दिए, मतलब सब उड़ा दिया, कहा तू चिल कर। बेसिकली एडिक्शन को हटाया। हाँ बोला तू चिल कर, तू यहाँ पे आया तू चिल कर। और हाँ, उन्होंने आप सोम भाई, उन्होंने मेरे से कोई भी काम की बात नहीं, 1 महीना में मतलब 20-25 दिन रहा होगा, एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन कोई बात ही नहीं की उन्होंने। ओके, उन्होंने मेरे को कौन से जोन में लाया, चिल जोन। फिर चिल जोन में। जब मैं आया फिर उन्होंने मेरे को बोला ऐसे 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 कर ऐसे कर ऐसे कर, फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं, और उसके बाद स्टार्ट हुआ खेल। फिर उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके फिर पिछले 7-8-9 महीने से तो फिर अच्छा। तो सबसे पहला आपने क्या रूल चाहिए, मतलब आपको भी तो मतलब रियलाइज हुआ होगा ना कि कौन सा गलती एक्चुअली हो रहा था, ओवर जीरो ट्रेड फिक्स हुआ, ओवर ओवर ट्रेडिंग। ट्रेड ओवर ट्रेड तो पहले मल्टीपल ट्रेड्स लेते थे आप, पहले मैं लेता था 10,000 का नुकसान हो गया चलो डबल क्वांटिटी से लो, और वो एक थी लो। 10 का हो गया 20 20 के, जहां पर 10 का नुकसान हो गया वहां पे 30 का हो गया, ओके, अब 30 को रिकवर करना है वहां पे 60 का हो गया। 60 का हो गया। ओके, तो वो और भी बड़े 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 लॉसेस हाँ लेके जाएंगे और वो। क्या था, और कभी भी मेरे को वो कंसेप्ट नहीं पता था कि थीटा डीके भी होता है। मैंने कहा ना क्रिप्टो की में ट्रेड्स को लंबा खींचता था, मेरे को लगता हाँ, भी होगा बट नहीं होता है, इसको चाहे आपको उसी जोन तक भी आएगा तो बट माइनस ही दिखेगा। माइनस में बाइंग कर रहे हो, डीके हो जाएगा। मेरे को बस वो उन्होंने एक ही चीज समझाई कि काटो लॉस को भी काटो प्रॉफिट, कह रहा है प्रॉफिट वो नहीं है जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है भाई, मेरे को इतना प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख रुपए दिख रहा है, जो चीज कट करके तुम्हारे बैंक अकाउंट में आएगी उसको प्रॉफिट बोलते हाँ, प्रॉफिट तो ऐसे बहुत बार दिखती है ना स्क्रीन में, तो बहुत दिखती है, पर जब जब तक आपने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया, वो तो स्लीपेज में आधे पैसा चली जाती तो एग्जैक्टली स्लिपेज में आ जाता है। है। इतनी वीडियोस देखी हैं तपस भाई की, 1 करोड़ 1.5 करोड़ से वो कितना 80-90 लाख रुपए है हमने ना। तो देखा हुआ है, हमने बहुत बार देखा हुआ है, 2 करोड़ का प्रॉफिट एग्जिट होगा 50 लाख में, 3 करोड़ का प्रॉफिट एग्जिट होगा 80 लाख में, मतलब 2-3 2 करोड़, 1-2 करोड़ तो ऐसे ही स्लीपेज में ही निकल जाती है। तो आराम से क्या मतलब, 50-50 में लेते हैं ट्रेड उसके ज्यादा है। बाद हमने देखा कि प्रॉफिट का स्क्रीन देख के कोई फायदा नहीं है। प्रीमियम हाँ चैट देखो, प्रीमियम चैट में टारगेट आ गया भाई, एग्जिट मारो, जो होगा देखा जाएगा, जो स्लीपेज आता है सही आने बात है का। वो लेकिन तपस भाई आजकल फिर निफ्टी में कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं। अभी अभी तो वो सब में, मतलब जिस दिन जो भी, मतलब निफ्टी, बैंक हाँ निफ्टी जो वो तो भी है, सब वो किसी में वो तो नहीं सब में देखता कर रहता है। उसको तो सारे अच्छे लगते हैं, मेरे को जैसे ओनली बैंक निफ्टी अच्छा, उसको सारे अच्छे लगते हैं, वो तो सेंसेक्स भी करते हैं, फिर निफ्टी भी करते हैं, उसको सब अच्छा निफ्टी तो दिखता है। करते ही करते हैं वो बैंक हाँ, सब निफ्टी अच्छा भी। दिखता है उसे। हाँ तो अभी आप जो ये सारे जो रूल्स बनाए हो, तो ये आपके फाइनल रूल्स है स्ट्रेटेजी के, या उसमें भी आप कुछ मतलब मॉडिफिकेशन भी कर रहे हो? नहीं रूल्स यही है,
बट अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा बहुत ना मैं मार्केट के हिसाब से चेंज तो कर दी। ये लास्ट 6 महीने में आपको लगा कि कुछ चेंज हो रहा है? क्योंकि मेरे को 6 महीने मैंने ये देखा कि टारगेट्स पूरे पूरे तो नहीं आ रहे हैं, मतलब बैंक निफ्टी में बहुत मेरे लिए मार्केट साइडवेज है, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है, तो बहुत शायद ज्यादा बहुत ज्यादा, साइडवेज, इसीलिए मैंने तो लॉट साइज अपना कम ही कर दिया। तो आपको बहुत भी ज्यादा आपकी स्ट्रेटेजी हिसाब से वैसे लग रहा है कि नहीं निफ्टी में भी आपको टारगेट नहीं नहीं आ मिल रहा है रहा वैसा, पैसा नहीं मिल रहा है है? नहीं पिछले, मिल आप रहा, देखो मैंने नहीं लिया ट्रेड, नहीं आ रहा है हाँ ट्रेडिंग क्योंकि नहीं ये हो ना रहा। देखो पैसा पड़ा है अकाउंट में, जब मेरे को आएगा जोन में मेरे को पता है मैं इसको आराम से इतने टाइम पे इतना बना लूंगा, हाँ लेकिन मार्केट भी ऐसा होना चाहिए ना, अब डेली थोड़ा ना 40 लाख रुपए कमाऊंगा, हाँ हाँ अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो फिर मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, वो तो ले ही जाएगा, और भी ज्यादा लॉस वो लेके जाएगा, उतना लेके जाएगा जितना कमाया उतना लेके लेके। जाएगा। हाँ उसके बाद तो डबल क्वांटिटी लेते जाओ बस। उसके बाद आ गया कि आप ये चार्ट बोल रहे हो क्या, पूरा दिन देखते ही नहीं है, मतलब ना ट्रेड ट्रेड खत्म हुआ तो बंद कर देते हो खत्म पूरा। हो गया बंद निफ्टी, बट क्योंकि अगर बीटीएसटी, आप आप कह रहे हो बीटीएसटी ले रहे हो ना, बीटीएसटी के लिए फिर देखना बीटीएसटी जब पड़ता मैं लेता होगा, हूँ फिर मैं 3 बजे देखता हूँ मार्केट कैसा है हिसाब। और 3 बजे देख के बीटीएसटी डिसाइड करते हो? हाँ ऐसे नहीं ओके सुबह वाला नहीं, उस टाइम 3 बजे क्या करंट है, उस कोई दिन, न्यूज तो नहीं आ रही है, कुछ तो ओके नहीं ओके। है, कोई अपने डेटा तो नहीं आ रहा है कोई। तो बीटीएसटी में आप जैसे अपना इंट्राडे में आप बोल रहे हो कि हाई क्वांटिटी हाई लॉट साइज ले रहे हो, बीटीएसटी में वैसे हाई लॉट लेते हो या कम लॉट लेते हो? नहीं अगर देखो अगर आपको पता है कि आपका डेटा आ रहा है कोई आपके फेवर में है, जब शोर शॉर्ट होंगे तब तब तो अच्छी क्वांटिटी से लूंगा, ओके अदरवाइज क्वांटिटी क्वांटिटी लो कर दूंगा। कम कर देते हो, ओके ओके। एंड सबसे पहला ट्रेडिंग कैपिटल कैसे बना था? वही आपको बताया, पहला मैंने 500 बस लगाया था, फिर उसके बाद 3,000, फिर अपनी सैलरी हाफ ऑफ करके लगाता था, जो सैलरी को बढ़ निकाल देते। सैलरी आधी लगाता था मैं, तब मैंने कहा ना 17,700 रुपीज कुछ ऐसे 10-17 हज़ार कुछ ओके मेरे को जो हाथ में आती थी, ओके सीटी से नहीं हाथ में जो आती थी, उसमें रेंट भी पे करता था पीजी का भी, ये भी क्योंकि कोरोना के टाइम पे मैं जॉब कर रहा था, हाँ कोविड वाली अब टाइम, घर से बाहर था, आई वॉज इन चंडीगढ़, फिर ओके जब ट्रेडिंग कैपिटल मेरे को पहला आया वो गुरदीप ने दिया था, टू ओके फिफ्टी ने ओके। और वहीं से शुरू हुआ है, पूरा वहां से फिर मैं शुरू हुआ। यस शुरू हुआ है, ओके ओके। तो ये जो लॉसेस भी हुए हैं यही अकाउंट में ही लॉसेस हुए हैं या अलग वाले ब्रोकर में लॉस हुए उसके बाद आपने फ्रेश स्टार्ट किया इसमें? नहीं, लॉसेस जब मेरा हुआ था वो मेरे अकाउंट में हुआ था, ओके फिर उसके बाद गुरदीप के अकाउंट से मैंने ट्रेड लेना स्टार्ट किया ओके। था, फाइव फिर पैसा, फाइव पैसा वाला जो हुआ था, 5 पैसा वाला। पैसा वालों ने पैसा खींच लिया तब, ओके परफेक्ट। चलो तो आप क्या एडवाइस देना क्या चाहोगे, मतलब जैसे बहुत लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उनको सेलिंग समझ में ही नहीं आता, उनको लगता है कि हमें बाइंग ही करना चाहिए, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे उनके लिए अपने एक ही चीज है एक्सपीरियंस से? कि किसी को देख के नहीं आओ मार्केट में, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा, जो लोग आप देख रहे होंगे ना वो कोई ऐसे प्रमोट करता है यार, एक मैंने तो आज 1 लाख रुपया लगा के मैंने 10 लाख कमा लिए, कमाए हाँ हाँ होंगे नो डाउट, हाँ लेकिन उसके पीछे क्या रीजन है नहीं पता है तुम, पहली बात। दूसरी गवाया बात है वही, गवाया 1 लाख से 10 लाख के लिए वो एक ट्राई करने के लिए वो कितने बार पैसा गवाया भी होगा ना। इसलिए क्योंकि मैंने आपको यही बात बोली कि मैंने ठीक है आपके सामने है 40 लाख का प्रॉफिट है, ऐसा नहीं ना कि मैं हर दिन बोलूंगा मैं 40-40 लाख कमाऊंगा, नॉट पॉसिबल। रियलिस्टिक चीज पे ध्यान दो, रियलिस्टिक जो रियलिस्टिक होगा, 1 लाख लगा के 10 लाख तुम शायद साल में एक बार कमाओगे बट डेली नहीं कमाओगे, डेली लॉस ही एक कर दोगे टारगेट उल्टा। अपना परसेंटेज बांध दो, 5% बांधोगे, 10%, 2%, 3% अपने लॉट साइज के हिसाब से, अपनी साइकोलॉजी सही करो, रिस्क मैनेजमेंट सही करो, और ओवर ट्रेड नहीं करो, स्कैल्प नहीं मारो एक ही उस पे। इसलिए चार्जेस कितने दिए मैंने 1 लाख, क्योंकि एक एक ट्रेड लिया एक एक, ट्रेड है, हाँ एक ट्रेड अगर हमें उसी को यही चार्जेस कम से कम कितने होते हैं अगर मैं उस हिसाब से। 50 लाख के हिसाब से, क्योंकि मैंने 4-5 दिन में मेरे को बहुत ईमेल आए हुए हैं, लोग ऐसे बहुत सारे उन्होंने ईमेल किया है जिनका 50 लाख में 10 लाख का चार्जेस भी है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ओवर ट्रेड किया होगा। 10 लाख, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा है ना, वो क्या करते हैं हाई क्वांटिटी में स्कैल्पिंग कर देते हैं, 2-3 रुपए जैसे टारगेट आता है कि नहीं, वो क्या करते हैं हाँ एग्जिट मारते हैं उसमें, मल्टीपल ट्रेड्स, ये मल्टीपल ट्रेड, मल्टीपल होता है, मल्टीपल होता जाता है, मल्टीपल तो ट्रेड। उसमें कोई फायदा नहीं है, उसमें हाँ यही अच्छा है ना कि हफ्ते में एक ट्रेड लो, अच्छी ट्रेड लो, अच्छे सेटअप पे ट्रेड लो और उसी को थोड़ा लंबा खींच लो, बस हाँ आया फिर तो आया, नहीं आया तो आया नेक्स्ट डे पता तो देखेंगे, नहीं आया तो नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट उसमें डे आपकी देखेंगे। साइकोलॉजी भी हिट नहीं होगी, पैसा भी जेब से नहीं जाएगा, सिंपल, और अपनी स्ट्रैटेजी पे भी वो आपको डाउट नहीं होगा। हाँ वही होता है ना, लोग क्या करते हैं 1-2 दिन अगर लॉस हुए उनको लगता है नहीं नहीं ये तो गलत है, हमें और एक नया स्ट्रेटेजी हमें ढूंढना और एक पड़ेगा। फिर वो नए पे वर्क करेंगे, ऐसा है कि बैक टेस्ट करते रहो, हाँ बैक टेस्ट करते रहो मैंने चीजों मैंने को। तो क्या किया है लास्ट 5 साल का, 5 साल का मेरे पास हर दिन का चार्ट का, 1 मिनट का कैंडल्स का मेरे पास इमेजेस है, तो मैं उसी को क्या करता हूँ, मेरे को ऑफलाइन में, मैं फ्लाइट में हूँ, घर में हूँ, कभी हूँ, मैं उसी को बैक टेस्ट करता रहता हूँ, उससे क्या एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। आप 1 मिनट पे करते हो बट मैं 3 मिनट पे करता हूँ, ओके 3 मिनट, हाँ नहीं, मैं 1 मिनट, मेरा 1 मिनट में पूरा मतलब दिमाग सेट है, मतलब बैंक निफ्टी का चार्ट 1 मिनट में मेरे को ऐसे ही दिख ही जाता है पूरा, तो जैसे अब आपको तो निफ्टी ऐसा हो दिखती गया कि होगी। बंदा ऐसे खोलता है
चार्ट देख ही पता चल जाता है कि कहाँ हाँ से क्या ठीक जा। है, ये हाँ ऐसा है, चलो ठीक है हाँ ये देख होगा, के आया देख तो आया, के नहीं हुआ तो चलो ठीक है एग्जिट करेंगे, थोड़ा। लॉस लेके निकल जाएंगे, बंद कर लेंगे। नहीं वो तो है, तो मतलब जब आपने लॉस भी किया था आपका माइंडसेट कैसा था कि मैं और करूंगा ही नहीं या मैं और एक बार ट्राई करूं, मेरा क्या था? माइंडसेट कभी भी, मैंने कहा ना मैं बहुत डाउन हो गया था लाइफ, बहुत ज्यादा, ओके ओके बहुत ज्यादा डाउन था मैं। बट उस टाइम पे वही थे, एक मेंटर थे जिनके हाँ साथ में टच में था, और दूसरा गुरी थे, हाँ ये इनको बहुत ट्रस्ट था मेरे पे। ये कह रहे थे तू तू बस इस फेज से निकल जाएगा, मेरे को हाँ पता है, तू बस लगा रहा, तू मत हाँ हिम्मत नहीं हार, तू चल चलता जा हाँ सकता है, और भी कुछ हुआ करेंगे करेंगे। आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम, परफेक्ट कि ऐसा परफेक्ट। दोस्त भी मैंने देखे हैं हाँ ये साथ हाँ है स्टार्टिंग वैसे से। ये तो मेरे को, चलो ये तो आज की बात है ट्रेडिंग की या कुछ, ये तो मेरे बचपन से मेरे फ्रेंड। ओके ओके हाँ उसी लिए ना ट्रस्ट है, तो वो एक मतलब बिल रहता है कि ना ये करना कर ही देगा, अब आज जैसे एक गलती आपको हुआ एक है कि चीज, कर हाँ जैसे देगा। एक चीज है, ये चीज ये मेरे साथ होते हैं ठीक है, बट ये ट्रेड लेते हैं ये, बट एक बार मेरे को पूछते हैं, पहले मेरे को पूछेंगे कि मैं ट्रेड लूं या ओके नहीं। ओके कभी को क्या होता है, लेट सपोज मैंने ट्रेड ली हुई है, ये भी ट्रेड है सेम, तो ये कहते हाँ हैं मन्ने मेरा तो हो गया भाई, मेरा बहुत हो गया, 20,000 बहुत है, तू खींच ले, हाँ तू जहां तक खींच है, मैं 20,000 पे निकल रहा तो हूँ आपको ऐसे। ऐसे भी बहुत सारे दोस्त होंगे बोलते होंगे कि मेरा पैसा ले ले, तो हाँ अभी तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कह रहे हैं ऐसे नहीं बोल लोग, वो क्या मतलब दोनों दो तरह के लोग होंगे, एक बोलते होंगे मेरे को सिखा दे और एक बोलते हैं कि मेरा पैसा लेके कर ले, वो सिखाने वाला तो सीधे ही मना है डायरेक्ट, सिखाने सिखाने वाले आते वाला तो सीधे ही डायरेक्ट मना है कि भाई मैं हैं सिखा नहीं सकता, क्योंकि सीखता बंदा अपनी गलतियों से। स्पून हाँ लॉस नहीं होगा तो नहीं सीखेगा, जब तक लॉस नहीं होगा नहीं सीखेगा, वो फीडिंग आप नहीं कर सकते हो नहीं किसी कर को, सकते, इम्पॉसिबल है, जब तक कोई लॉस नहीं करेगा पॉसिबल सीखेगा नहीं। जब तक आप, जब तक वो खुद नहीं उतरेगा ना, खुद के कैपिटल से नहीं उतरेगा ना, वो हाँ मार्केट पॉसिबल पॉसिबिलिटी नहीं है, वो चाहे वो ही मेरे नहीं, साथ बैठ जाए ना, वो नहीं सीखे, नहीं सीख वो मेरे को पाएगा। कॉपी करके नहीं जाएगा आगे मुझे, तो वो खुद पैसा लाके खुद हारेगा पैसा, फिर खुद वापस रिकवर करेगा, फिर वो ट्रेडर बने। ऐसा नहीं है कि हाँ ट्रेडिंग इज नेक्स्ट लेवल, इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है, हाँ। बट इसके लिए ना तपना पड़ता है भट्टी में हाँ और ऐसा। स्किलफुलनेस, बहुत स्किलफुल वाला चीज है, गिव अप कर दोगे तो गया। आप भी आप उड़ीसा से, उड़ीसा से ना हाँ आप, थोड़ी सा अभी यहाँ दुबई में अच्छा लाइफ स्टाइल है, हाँ ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही ऐसा था, आपने भी बहुत हाँ कुछ देखा हाँ हाँ लॉसेस के बिना तो कुछ भी नहीं है, लॉसेस जब तक नहीं होगा कोई नहीं सीख सकता। मैंने तब। भी मतलब मतलब मैं आज अगर एक ट्रेड लेता हूँ वो भी मैंने गलतियों से ही सीखा है, कि जब पैसा उड़ गया 50 लाख लॉस हो गया जब, तभी मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पैसा जा क्यों रहा है। एक ये कहने की बात होती है, 1 करोड़, 90 लाख, 1.25 करोड़ हाँ रुपया इस एज में तुम मतलब लॉस करके बैठे हो, हाँ और घर वालों को नहीं पता है या जो भी चीज है, तो हाँ कितना मेंटल स्ट्रेस रहता है। फिर यहाँ हाँ से उठ के 1 करोड़ कमाना, ये चीज तो जिस बंदे में, एक ही चीज आपको बोलूंगा, जो बंदे पे बीती होती है ना उसको पता होता है कि वो और कोई नहीं बोल कैसे सकता। हाँ होती, वो कैसे निकले। जैसे तपस भाई के मैंने एक बहुत पुराना वीडियो देखा था कि उन्होंने किसी कुलीग से पैसे लिए थे, कुछ था हाँ उनका, फिर हाँ उन्होंने उनके अपने ही पैसे उनके अकाउंट में डाल के उनको फिर डबल ट्रिपल करके दिए। हाँ अब ये चीज है ना, अब हाँ तपस भाई को पता होगा कि वो कहाँ से उठे हैं, कैसे जर्नी में उठे हैं, कैसे हाँ प्रॉफिटेबल हुए हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी है, ये चीज होती है। बाकी तो वही हाँ, कोई कोई वैसे सिखा ही नहीं सकता जब तक आप खुद लॉस नहीं करोगे, पैसा जेब से जब तक गया नहीं तब जब तक तक कोई नहीं जेब से नहीं सीखेगा, गया, जब तक मेंटल स्ट्रेस नहीं, जब तक वो नहीं है, तब तक तो बहुत ही है, जब तक टूटोगे नहीं तब तक जब तक टूटोगे तब जुड़ोगे तक जुड़ोगे नहीं, सही बात। नहीं बाकी अगर आपने ऐसे ही है, कितने बंदे हैं आपने देखा होगा, ऐसे कर लो, मेरा ये कर लो, मेरा वो कर लो, ऐसे बंदे आप, मैं ऑन कॉल तो आपको नाम नहीं लूंगा, जिनको सच में नहीं पता है ट्रेडिंग का, बट वो फिर भी कोर्सेज बेच रहे हैं। आप हाँ, तक बहुत कभी लोग भी लाइव ट्रेड नहीं लिए, कभी भी हाँ नहीं, और लोग उनका कोर्स लेते हैं। लेते भी हैं, मतलब गधे तो बहुत है, उनको तो मतलब होप एंड आप ग्रीड मेरे तो को बेचना सोम है ना। भाई एक चीज बता दो, मैं आपको बुक्स बता दूं, बुक्स हाँ पढ़ के कौन ट्रेड करेगा जब तक कौन वो खुद ने ट्रेड नहीं लेगा। खुद नहीं ट्रेंड हाँ करेगा कुछ भी कुछ नहीं बनेगा। मैं तो कितना सिखाता हूं, मैं उनको वही सेम चीज बोलता हूँ कि भाई एक ट्रेड अगर होता है तो एक ट्रेड ले लो और कुछ मत करो, एक ट्रेड ले लो बंद कर दो, और वही एक चीज को 1 वीक करो, एक वीक कर लो, अगर वो एक वीक कर लो, डिसिप्लिन ये फॉलो कर लेंगे ना ये वही वाला, लाइफ वहीं पे ही फिक्स हो जाएगा, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं पे ही फिक्स हो जाएगा। हाँ दिन में नहीं करोड़पति बनना है, बनना है, एनीवेज बनना है, एक दिन बट में नहीं दिन में बनना नहीं, एक दिन में कोई बने नहीं सकता। चलो तो ये मेरे फ्रेंड है गुरदीप जी, ओके। ओ ये है वो महान गुरप्रीत जी,
गुरदीप गुरदीप जी, ओके ओके ओके। तो जी आप भी वहीं से ही हो, जम्मू कश्मीर? या सेम, हमारी स्कूलिंग भी सेम हुई है, हम सेम एरिया से बिलोंग करते हैं दोनों। ओ स्कूलिंग मतलब पूरा मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड्स। चाइल्डहुड फ्रेंड्स यार, और उसी लिए मतलब कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है। या एक्चुअली बस हम थोड़ा बीटेक के टाइम पे अलग अलग हो गए थे, बीटेक के टाइम पे उसके अलग हो गए थे, बाद फिर हम फिर वापस ही कनेक्ट हुए एंड फिर से साथ काम करना स्टार्ट किया। तो बीटेक के टाइम पे आप कहाँ चले गए थे? मैं पे ये गए थे चंडीगढ़, मैं क्या था हरियाणा कुरुक्षेत्र। ओके अलग अलग जगह। ओके तो आप क्या करते हो? मैं एक्चुअली मेरा जो बिजनेस था वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं, हमारा ओके ओके मोस्टली जो काम रहता है डिस्ट्रीब्यूशनशिप रहती है, यूएस बेस्ड प्रोडक्ट्स है, तो मैंने वहां से ओके स्टार्ट किया था, फिर वो भी चल रहा है साथ साथ और यहाँ भी ओके काम चल रहा है ओके ऐसा। ओके तो कॉन्फिडेंटली फिर मनप्रीत भाई ने कितना मैक्स लॉस आपने कितना देखा है? मनप्रीत भाई ने कितना लॉस आपको दिखवाया ये यार, अगर एक दिन का 1 करोड़ भी दिखा दें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि पता है कि है? ही हैज अ पोटेंशियल टू रिकवर बहुत इजीली, तो अब नहीं फर्क पड़ता। कभी कभी जब स्टार्टिंग में किया है तो तब 10,000 भी फर्क पड़ता था, पांच भी ओके पड़ता था, आज फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पता है कि एक एक स्ट्रेटेजी बनी है, एक डिसिप्लिन, हाँ प्रॉपर चीजें बनी हुई हैं, सो हाँ अब हाँ फर्क नहीं पड़ता। अब ये चीज है कि पता है कैसे कैसे क्या करना है, एक एक तरीका बनाया है, एक सिस्टम बनाया हुआ है, बस उस सिस्टम को लेके चल रहे हैं साथ और कुछ नहीं हाँ ऐसा। करेक्ट करेक्ट। तो आपको आपको भी ट्रेडिंग कुछ आते हैं या हाँ हाँ आपको कुछ मालूम नहीं है? इनके साथ रह रहा है कि अब सीख लिए चीजें, बट जैसे इनने भी आपको बताया कि जब मुझे लगता है कि ओके नहीं ओके मुझे वहां पे नहीं होना चाहिए जहां पे ये है, तो मैं उस ट्रेड को क्लोज कर लेता हूँ, बिकॉज इसको पता है कि कैसी चीजों को आगे लेके चलते हैं, तो तरीका इनका ओके अलग है, मेरा थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मेन जो भी सिखाते हैं ओके यही सिखाते हैं मेरे को, ओके और मेरा तो कोई सोर्स नहीं है सीखने का, नाइनटी नाइन पॉइंट ओके नाइन 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 परसेंट प्योर सोर्स ये है, बाकी कभी आगे पीछे वीडियो देख लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं। ओके मतलब ऐसे मस्ती के लिए तो ट्रेड कर ही लेते होगे हाँ थोड़ा हाँ थोड़ा, हाँ मस्ती मस्ती में के कर लेते लिए हैं, मेरे को भी नहीं बोलते हैं, कर लेते हैं मस्ती के, मेरे को नहीं ज्यादा क्रिप्टो अच्छा लगता है करना, इनने ही बताया था, नहीं इनने ट्रेडिंग तो ऐसे मतलब वैसे देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव है, अगर कोई घुस गया तो भाई मतलब छोड़ नहीं सकता, हाँ वो बात तो है हाँ एग्जैक्टली तो जो बढ़िया। करता है तो वो कर सकता है, जिनको मतलब छोड़ बोलते हैं ना सस्ते नशे हो जाते हैं जब बिल्कुल सही बताई जा रहे, है बट ये सही है प्लेटफॉर्म सही। भी जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट लोगों को समझ नहीं आती, हाँ वो तो उनको है वो तो समझ है, नहीं आती कि ये प्लेटफॉर्म को कहाँ लेके जा सकता है, एंड इजी हाँ मनी ऑलवेज अ स्कैम। अरे उनको लगता है ना कि शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है, जबकि ये एग्जैक्टली शॉर्टकट नहीं होता वो बैंकरप्ट कर देते, ये शॉर्टकट उनको बैंकरप्ट करके चले जाती है। वही बात मैंने की ना कि इजी मनी जैसा स्कैम, तो लोगों ने हाँ क्या इजी पैसा मनी लगाएंगे का स्कैम, डबल हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, वो एक दिन डबल हो भी जाता है, एक दिन डबल हो जाता है, बट साल भर लॉस वो करके जाता है राइट 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 राइट, तो उसके लिए हाँ आपको वहां तक पहुंचना पड़ता है ना, आपकी मेहनत, जैसे आप खुद एक हाँ प्रोफेशनल ट्रेडर, आपको पता है कि वहां पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? मैं आज आया और मैं कल बोलूँ कि कल मिला कल लाख बना लूंगा, इट्स नॉट हाँ पॉसिबल नॉट नहीं, एक बार पॉसिबल, होगा, नहीं एक बार हो बहुत बार जाएगा। होगा, जो हमने रिसेंटली प्रॉफिट किया जैसे आपको शायद मनप्रीत ने बताया, तो उस हाँ प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए कितने साल लगे, पांच साल, हाँ 5 साल लग ऐसे ही गए, 5 साल लग गए, ऐसे ही आप 5 साल, पांच बट साल में लोगों को कितने प्रॉफिट लॉसेस हुए दिखेगा, होंगे, 5 साल एग्जैक्टली नहीं दिखेंगे, लोगों को प्रॉफिट दिखेगा खाली। उस 5 साल में कितने लॉस हुए, कितनी बारी अकाउंट नीचे गया, कितनी हाँ बारी चीजें हमने फिर रिकवर किया, वो सारी चीजें जो थी वो हमें पता है उस प्रोसेस में हमारे साथ हुई, बट वो हाँ एक दिन आना था, वो कल आया परसों आया जब भी आया, बट उसके हाँ लिए 5 साल लगाए, और आने वाले 10 साल में क्या होगा वो आगे पता लगेगा कि हम हाँ कितनी मेहनत आज कर रहे हैं, कितना काम आज कर रहे हैं हाँ ऐसा। करेक्ट। तो आप क्या करते हो, मतलब पैसा विड्रॉ करते हो नहीं करते हो, विड्रॉ मतलब करते अकाउंट हैं, कर हम देते हो विड्रॉ ना? इनने चीज सिखाई है कि पैसा वापस ज्यादा टाइम रखना नहीं होता पैसा रखना नहीं है, पैसा को विड्रॉ कर देना क्या, ओनली जितना होते कंट्री लोगे उतना रखने का, उससे ज्यादा नहीं हम रखने का। विड्रॉ होते। ऑलराइट गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, होपफुली यू लव्ड द वीडियो, आपको पूरा वाला जर्नी मनप्रीत भाई का वैसे समझ में आ गया होगा, सो कैसे किया गया क्या हुआ पूरा हमने डिस्कस किया हुआ है, एंड मनप्रीत भाई हमारे टेलीग्राम चैनल से ही है, वो आपके अंदर से ही है, ऐसे कोई मतलब बाहर से नहीं आए हुए, आपके मतलब हम सबके अंदर से ही, एक वन ऑफ हिज वन ऑफ आर मेंबर उन्होंने मैसेज किया था, एंड लाइक वाइज इफ यू रियली वॉन्ट टू गेट फीचर्ड ऑन दिस चैनल ऑन पॉडकास्ट सिमिलर वे, वी हैव डन ए लॉट ऑफ पॉडकास्ट ऑलरेडी विद द ऑप्शन बायर्स एंड सेलर्स, अगर आपको ही फीचर होना है, इफ यू हैव गॉट सम काइंड ऑफ स्टोरी विच इज वर्थ शेयरिंग टू द ऑडियंस एज वेल, तो लिंक मैंने नीचे में दे दिया है, फ्री है, पूरा फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा, गो एड फिल द फॉर्म एंड आई विल गेट इन टच, एंड दैट्स ऑल, इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, एटलीस्ट दे विल ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड, आई विल सी यू गेट ऑन द न्यू व्लॉग।